हमारे नेक्स्ट गेस्ट है समीर, नाम दिखा है जी। आपको जी आवाज आ रही है। जी, अस्सलाम वालेकुम जैद साहब, कैसे हैं वालेकुम आप? सलाम रहमतुल्लाह बरकातुहू जी। मैं असल में थोड़ा सा फ्री था, आपकी लाइव स्ट्रीम देखी तो जी सोचा कि चलें आपसे गुफ्तगू कर ली जाए। मुझे मौजू भी नहीं पता था, बस मैं ऐसे ही जी आपके साथ जुड़ गया, लेकिन पॉलीगमी का टॉपिक है हमारा आज का, एक से ज़्यादा शादी जो इस्लाम में इजाज़त है वो टॉपिक है जी। जी, मैंने बहन के आर्गुमेंट सुने, कुछ आपकी बातचीत सुनी। जी देखिए, मैं ये समझता हूँ अपने पर्सनल तौर पर कि हर एक इंसान का जो है ना, वो सोचना और उसकी सोच, उसका नज़रिया जो है, उसके अंदर इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन डिस्कशन होना चाहिए और हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। या तो इंसान कुछ सीख ले या तो कुछ सिखा ले, क्या कहते हैं? जी जी समीर भाई जहाँ तक पॉलीगैमी के ताल्लुक से मेरे ख्यालात हैं, और बीइंग एक्स मुस्लिम, डेफिनेटली वो ख्यालात तो नहीं होंगे जो इस्लाम के हैं उससे मुतफरिक ही होंगे, लेकिन मैं जी ये समझता हूँ कि एक क्यों से नहीं होंगे ज़्यादा वो शादी ख्यालात, जो है, मतलब सिर्फ जी इसलिए वो ख्यालात नहीं होंगे क्योंकि आप एक्स मुस्लिम हैं? असल में वो इसलिए नहीं होंगे आप क्योंकि ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि एक्स हम जो मुस्लिम इसलिए है, वो ख्यालात नहीं? भाई, ख्यालात की बुनियाद कोई हाँ लॉजिक होगी ना कि सिर्फ इसलिए कि मैं वही इस्लाम में इस वजाहत वजह कर से रहा हूँ। नहीं होंगे। जी, मैं वही वजाहत कर रहा हूँ, इसके लिए मेरी कोई नहीं इस्लाम से नहीं कोई आप ज्यादा वजाहत कर दुश्मनी चुके नहीं ना, है। आप बोल रहे हैं क्योंकि मैं एक्स मुस्लिम हूं तो डेफिनेटली वो ख्यालात नहीं होंगे, तो यानी सिर्फ इस वजह से नहीं होंगे क्योंकि आप एक्स मुस्लिम हैं। ओके, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बता दूं कि क्यों नहीं होंगे। मैं वही बताने अरे गया आप था कि बता क्यों नहीं चुके हैं, मैं होंगे, वो पूछ रहा हूं ना, नहीं बताया मैंने, नहीं आपने बताया। बोला नहीं, ना वो कि क्योंकि बेसिस की बात कर रहे मैं, थे। जी, लेकिन चलिए आप कैरी सिर्फ ऑन। अभी तक जी मैंने सिर्फ सिर्फ अभी तक पॉइंट रखा है, पॉइंट की जी एक्सप्लेनेशन नहीं रखी। वो आप मुझे जी रोक रहे हैं रखने से, खैर चले, बहुत बहुत शुक्रिया जैद साहब, नहीं नौकरी नहीं वो रोक मिल नहीं रहे आपको, वो गई। नहीं, आपके लिए रोक नहीं बेसिस रहा, को पूछ आपने रहे एक बात बोली थे, कि क्योंकि मैं जस्ट एक्स मुस्लिम, इसलिए एनालिसिस, कोई डेफिनेटली बात वो नहीं। ख्यालात नहीं होंगे। तो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ इस वजह से कोई ख्याल नहीं होना चाहिए कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ तो इस्लाम में जो भी है मैं उसकी मुखालफत करूंगा, मैं ये बोल रहा हूँ। कंटिन्यू करिए आप। मेरे ख्यालात इसलिए वो नहीं होंगे क्योंकि हम एक्स मुस्लिम जो है ना, वो ये समझते हैं मॉरलिटी के बेसिस पे और ह्यूमैनिटी के बेसिस पे कि इस्लाम जो है वो बाकी आम इंसानी मॉरलिटी और जो ह्यूमैनिटी के जो बेसिस होते हैं उनके खिलाफ है। और एक्स मुस्लिम होने के ताल्लुक से मैं ये समझता हूँ कि डेफिनेटली मेरे ख्यालात, अगर मैं एक इंसानियत को फॉलो करता हूँ या मॉरलिटीज़ को मैं इस कुछ एक स्पेशल दर्जे पर रख रहा हूँ, तो डेफिनेटली मेरे ख्यालात जो है वो इस्लाम से मुख्तलिफ ही होंगे, इसलिए मैंने ये बात बोली थी। एनीवे, मैं अपने पॉइंट के ऊपर आता हूँ। मैं पर्सनल तौर पर अपने ये समझता हूँ कि एक से ज्यादा शादी करना जो है वो औरत के हुकूक के खिलाफ है। अगर आज इस पर वजाहत चाहेंगे तो मैं कर दूंगा। जी एक से ज्यादा शादी की बात आप बता रहे हैं, औरतों के हुकूक के खिलाफ है। जी, ओके बताइए। वो इस वजह से खिलाफ है क्योंकि अभी मैंने हजरत की बात सुनी सरफराज साहब की, वो ये कह रहे थे कि अगर ये उस नौयत के एतबार से है एक से ज्यादा शादी, जबकि आप उसकी इस्तेदाद रखते हो, हिम्मत रखते हो कि एक से ज्यादा बीवी को आप रख सकें, उनका खर्च उठा सकें, उनकी जरूरियात को पूरा कर सकें, लेकिन आमतौर पर बात यह है कि एक वुमन की जो जरूरियात हैं उनको पूरा कर देने भर से जो है वो पूरा कर देना भर काफी नहीं है। ये आमतौर पर, आप साइंस की काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं जैद साहब, और ये साइंटिफिक प्रूवन है कि एक वुमन के अंदर जो है इनसिक्योरिटी और जेलसी जो है कंपेयर टू मैन बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप इस्तेदाद रखते हैं और आप इस लायक भी हैं कि आप एक से ज्यादा बीवी कर लें, तो उस कंडीशन में अगर आपकी बीवी जो है आपकी मुखालफत नहीं कर सकती इस एतबार से कि आप उनका खर्च उठा लेंगे, उनकी ज़रूरियात पूरी करेंगे, फिर भी किसी भी एक महिला को कतन ये चीज पसंद नहीं आएगी कि आप वो हक किसी दूसरी महिला के साथ शेयर करें जो कि सिर्फ उसका है। ऐसी कंडीशन में उसको तकलीफ होगी, गरा गुजरेगा, लेकिन ये हमारा जो इस्लाम है इसके अंदर अकीदे का मामला है, तो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कोई भी हमारी मुस्लिम बहन जो है वो जाना नहीं चाहती, इसलिए वो खामोशी अख्तियार करती है। वरना जाहिरी बात है कि एक वुमन को, एक महिला को कतन ये पसंद नहीं आएगा कि उसका शोहर किसी और के साथ शेयर करे। जी मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ समीर भाई, आप मुझे ज़रा एक सवाल का बताइए जवाब। ये देखिए, ये 2011 के सेंसस की रिपोर्ट है। हाँ, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर 4 करोड़ 65 लाख विडोज, डिवोर्सीज और सेपरेटेड औरतें हैं, 4 करोड़ 65 लाख।
और ये चीज़ में आप आगे देखोगे तो बिन बिहाई लड़कियां 30 साल से ऊपर, जो 30 साल से ऊपर उम्र हो गई शादियां नहीं हुई, 56 लाख है। तो ये फिगर कुल मिलाकर 5 करोड़ 21 लाख, जो 2011 के सेंसस में था। अभी सेंसस जब भी होगा तो ये देखेंगे कि फिगर इससे ज्यादा बढ़ के आएगा। तो इनके लिए क्या सोल्यूशन है आपके पास? एक मिनट जैद भाई, मैं जरा सा मैं सवाल इनका समझा नहीं। आप बोल रहे हैं कि क्योंकि औरत को पसंद नहीं आएगा इस वजह से आदमी को नहीं करना हाँ, चाहिए। वो ये कह रहे हैं जी। नहीं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, मैं सही समझाऊँ ना। मैं आपसे माजरत करते हुए गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरा बात करने का तरीका कुछ इस तरीके का है कि मैं एक टाइम पे एक ही आर्गुमेंट लेता हूँ और एक का ही जवाब देता हूँ। तो आप हजरात आपस में तय कर लें कि मुझसे गुफ्तगू कौन करने वाला है, मैं ताकि मैं गुफ्तगू एक ही कर का रहा हूँ जवाब दूँ। आपसे, मैं गुफ्तगू बहुत कर लेता बढ़िया, हूँ आपसे। जी आप ठीक गुफ्तगू है कर जी, रहे हैं शुक्र तो ठीक है, जैद साहब से मेरी गुजारिश है कि वो पीपीटी हटा लें। जी सर, जी। आप करें। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप ये बोल रहे हैं कि क्योंकि औरत को पसंद नहीं आएगा इस वजह से, पहली बीवी को पसंद नहीं आता इस वजह से दूसरा नहीं करना चाहिए ना। बात यहाँ पसंद आने की नहीं है, पसंद आना ना आना वो एक अलग चीज़ है। जाहिरी तौर पर एक ईमान वाली खातून को वो हर एक चीज़ पसंद आएगी जो इस्लाम में जायज़ है, क्योंकि वो उसका इनकार करेगी तो इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाएगी। बात यहाँ पर गरा गुजरने की है कि उसके दिल पर गरा गुजरेगी और उसको तकलीफ होगी अगर वो अपने शौहर को किसी और के साथ शेयर करती है। यानी पसंद वाली बात जो आप बोल रहे थे वो नहीं, गिरा गुजरने वाली बात है ना, कि गिरा गुजर रहे हैं। मैंने पसंद वाली बात कतन की ही नहीं है, मैंने ये कहा है कि उसको तकलीफ होगी क्योंकि उसके अंदर इनसिक्योरिटी और जेलिसी कंपेयर टू मेन ज्यादा होती है। ठीक है, अगर कोई औरत खुद ही करा दे तब तो आप इजाजत देते हैं ना, गिरा नहीं गुजर रहे, खुद ही करा रही है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसके जवाब में मैं थोड़ा सा एक चीज, एक पॉइंट रख करके आपको जवाब दूं तो चलेगा आपको? हाँ, मैं जब मैं अपना जवाब ही पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हमारे कि मैं हमारे समझना हमारे चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान आप क्या में देख रहे हैं, क्योंकि समझा आप रहा बोल रहे हूं। हैं गिरा गुजरता है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि यानी जी आपको जी असलन दूसरी शादी से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम औरत को गिरा गुजरने से है ना। तो यानी अगर गिरा ना गुजरे बेशक तो कोई मसला नहीं है बेशक ना, फिर तो कर सकते हैं ना दूसरी शादी। बेशक बेशक। मैं इसमें और थोड़ी सी वजाहत करते हुए ये भी बता देता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर पर्सनल लॉ नाम की भी एक चीज़ होती है जो कि हर एक जो है मजहब और धर्म के हिसाब से अलग अलग बनाए होते हैं। जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है और हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो अलग है। हिंदू मैरिज एक्ट ये कहता है आपको कि समझ एक में बीवी आ के रहा है रहते कि हुए व्यूवर्स को भी समझ में आ रहा होगा कि आप दूसरी तरफ चले गए, पसंद वाली नहीं बात आप, आपने मैं की, मैंने सुनिए पसंद वाली सरकार बात पे साहब, आपके आर्ग्यूमेंट सरकार पे साहब देखिए मसला पता पसंद। क्या है, नहीं, मसला पता क्या देखिए है? मेरे अगर भी आप मुकम्मल आर्ग्यूमेंट में नहीं यही कहेंगे, सुनते, मैं चीज क्लियर करके आगे बढ़ूंगा ना। पसंद गलत आपने अगर इस्तेमाल आप किया था, मैंने उसी पसंद पर आपसे सवाल किया, आपने कहा पसंद नहीं गिरा वाली बात है, तो मैंने गिरा वाले उस पर आपसे सवाल किया, तो अब आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। एक बात क्लियर करके आगे बढ़ते हैं ना, उस पर भी बात करेंगे जो आप बात कर रहे हैं अभी। तो मैंने देखिए आपकी बात से समझ अगर में आया मेरी कि बात आपको दूसरी मुकम्मल शादी होने से के प्रॉब्लम नहीं बाद, है, आपको गिरा जनाब गुजरने से प्रॉब्लम है। जनाब इतना ऐसे सुनिए, घूम के तो बात नहीं कर सकते ना, एक एक चीज क्लियर करके आगे बढ़ते हैं ना, चलें एक पहले एक आप चीज क्लियर कंप्लीट करके कर आगे लें, बढ़ना। जब ये आप ठीक कंप्लीट है कर लेंगे आर्ग्यूमेंट का मुझे ये बता तरीका, ठीक दीजिएगा है ना, फिर कि मैं एक बात जवाब हम दूंगा। क्लियर कर ले फिर आगे बढ़े। जी समीर भाई, अभी चलो बताइए। पसंद जी वाली जी बात आपकी आपने बात मुकम्मल कही, हो मैंने गई। आपकी पसंद ओके वाली जी बात पे सवाल जी किया, आपने गिरा वाली बात कह दी, अब मैंने गिरा वाली बात पे सवाल किया, अब आप चले जा रहे हैं कहीं पर्सनल लॉ पर, तो कहीं एक जगह टिक करके बात करते हैं ना, कोई समझ में तो आए। मैं तो अभी आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने तो अभी कोई अपना आर्ग्यूमेंट रखा ही नहीं, मैं तो बस आपसे सवाल ही कर रहा हूँ आपके। मैंने ये कहा कि आप कह रहे हैं कि गिरा गुजरता इसलिए नहीं करना चाहिए, इसका मतलब गिरा ना गुजरे तो कर सकते हैं, आपको पॉलीगैमी पे कोई एतराज नहीं है, गिरा गुजरता इसलिए प्रॉब्लम है ना। जी समीर भाई, अभी बताइए। जी आपकी बात मुकम्मल हो गई, मैं जवाब दूं। जी बोलिए। मैं आपसे ये कह रहा था कि जब मेरा जवाब मुकम्मल हो जाएगा, अगर उस वक्त आपका जवाब नहीं आया ना, तो आप मुझे ठीक पूछिएगा कि आपने 10 बातें की लेकिन मेरा जवाब नहीं आया। लेकिन मुझे ठीक मुकम्मल तो करने दीजिए, आपके अंदर तहमुल ही नहीं है सुनने का। बेहतर है, बोलिए। मैं ये कह रहा था आपसे कि हमारे हिंदुस्तान के पर्सनल लॉ को जो कानून है उसके अंदर एक मुस्लिम जो है वो एक बीवी के होते हुए भी दूसरी, तीसरी और चौथी शादी कर सकता है, इसकी इजाजत कानूनी रूप से मौजूद है। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट जो है उसके अंदर कानूनन ये रिवाज है कि एक मर्द जो है वो दूसरी बीवी के होते हुए दूसरी शादी, पहली बीवी के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता। लेकिन साथ ही साथ ये भी कानून है कि अगर वो पहली बीवी की इजाजत हो और उस पहली बीवी को कोई मसला ना हो और उसको कोई तकलीफ ना हो और वो खुद ऐसा चाहती हो, तो एक हिंदू आदमी भी, एक सनातनी भी दूसरी शादी कर सकता है। तो लिहाजा मैं इस बात में इशकाल ही नहीं कर सकता कि अगर पहली बीवी को तकलीफ ना हो
और उसको परेशानी ना हो तो दूसरी जात शादी करना नाजायज है, मैं ये कह नहीं सकता क्योंकि मेरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। आई एग्री विद दैट, आपका जवाब शायद मिल गया होगा, अगर आपने पहले सुना हो तो पहले मिल जाता। नहीं नहीं मुझे जवाब नहीं मिला। आप तो आप हवाला किसका दे रहे हैं? आपको मतलब इसलिए दूसरी शादी की मुखालफत, आप इसलिए दूसरी शादी की मुखालफत कर रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान के कानून में इजाजत है इस्लाम छोड़ने के बाद मेरे लिए? आप अगर हिंदू के लिए आप बोल रहे हैं कि बुरा नहीं है तो फिर मुसलमान की उसके लिए भी ठीक है। भाई मैं अभी देखिए, अभी आपने ग्राउंड सेट कर दिया, आपने ग्राउंड सेट किया हिंदुस्तान का, मुस्लिम पर्सनल लॉ सेट किया ना, चलो उसी ग्राउंड पे तुम लोग। मैंने आपको अभी मैं बोल रहा हूँ, मैंने सुना, मैंने आपको सुना, मुझे सुनिए, आप मुझे गलत कोट कर रहे हैं ना। हाँ देख, अब गलत कोट करूंगा तो आप अपने जवाब में बोलिएगा, मेरे टाइम पे मुझको बोलने देंगे? ठीक है बोलिए। हाँ आपने पहले कहा पसंद वाली बात, मैंने उस पर ये सवाल किया कि भाई अगर पसंद हो तो दूसरा कर सकते हैं। आपने कहा नहीं मैं पसंद की बात नहीं कर रहा, गिरा की बात कर रहे हैं। मैंने गिरा पे कहा ठीक है अगर गिरा ना गुजरे तो कर सकते हैं, फिर आप चले गए पर्सनल लॉ पर। चलिए मैं पर्सनल लॉ के हिसाब से बोलता हूँ, अगर पर्सनल लॉ ही आपके नज़दीक एक ग्राउंड है जिसकी बुनियाद पर इजाज़त होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए तो ठीक है ना, फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुसलमान को इजाज़त है तो वो कर ले, हिंदू को इजाज़त है तो वो नहीं करें, तब तो कोई मसला ही नहीं रह गया। पर्सनल लॉ के हिसाब से बोलें तो भी कोई मसला नहीं रह गया। जी अब मैं जवाब दूं? बिल्कुल। मैंने ये नहीं कहा कि हिंदू इसलिए शादी कर सकता है कि उस कानून में इजाजत है, मैंने बात वहां भी एक महिला की मर्जी की ही रखी है। मैंने जो पर्सनल लॉ का एग्जांपल दिया है वो मैंने आपकी बात को और जो है ना जोर देने के लिए, आपकी बात आप जो भी बोल रहे हैं ना लोग पीछे से जब ये डिस्कशन हो जाएगा ना तो लोग पीछे नाउ यू आर ब्रेकिंग योर ओन। जी जी मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, ये टाइमर लगा देता हूँ ताकि जो भी हो वो दोनों इसमें बात कर सकें। जी टू मिनट्स का करते आएंगे। जी बताइए, अनलेस कोई ना यूज करे तो कैंसिल होगा वो टाइम। जी ठीक है दोबारा से स्टार्ट कीजिए, दो मिनट के टाइम में आप दो मिनट की बात। जब आपने ये कहा कि अगर एक महिला को तकलीफ ना हो तो क्या वो दूसरी शादी कर सकता है, तो मैंने उस बात को, मेरा जवाब ये था कि हाँ बिल्कुल कर सकता है, उस पर हमें कोई एतराज करने का हक नहीं, अगर पहली बीवी को कोई तकलीफ नहीं है तो। इवन दो कि हिंदुस्तान के कानून में एक हिंदू शादी नहीं कर सकता दूसरी पहली बीवी के रहते, लेकिन अगर पहली बीवी इजाजत दे तो वो भी दूसरी शादी कर सकता है। मेरा मकसद यहाँ पर कहने का ये था, ये नहीं था कि हिंदुस्तान का कानून कह रहा है इसलिए जायज है। वहां अगर एक अगर महिला को तकलीफ होगी तो डेफिनेटली उसका जो पति है, उसका जो हस्बैंड है, खाविंद है, वो दूसरी शादी नहीं करना चाहिए। ये हमारी ह्यूमैनिटिस्टिक मॉरलिटी है, क्योंकि उससे उसको तकलीफ गुजरती है, गरा गुजरती है वो चीज, क्योंकि कोई भी बीवी ये नहीं चाहेगी कि उसका शोहर वो किसी और के साथ वक्त गुजारे, किसी और को वो हक दे जिस पर सिर्फ उसका हक है। इस हिसाब से मेरे नजदीक जो है एक से ज्यादा शादी करना और एक से ज्यादा बीवी रखना ये सही नहीं है। मेरा एक मिनट इनको दे दें जैद साहब। हाँ तो मैं भी यही बोल रहा हूँ आपको कि आपने ये कहा कि अगर औरत इजाजत दे दे या औरत को पसंद हो या औरत खुद ही शादी करा दे तो, यानी आपको बुनियादी तौर पर एक से ज्यादा शादियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ प्रॉब्लम इस बात से है कि औरत को गिरा ना गुजरे। तो यानी अगर औरत को गिरा नहीं गुजर रहा है तो आप एक से ज्यादा शादियों को बुरा नहीं समझते हैं। अगर औरत को गिरा नहीं गुजर रहा है तो आप एक से ज्यादा शादियों को बुरा नहीं समझते हैं। मेरे जैद भाई डेढ़ मिनट इनको दे दीजिए एक सवाल का जवाब देने के लिए। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, आप मुझसे रिपीटेशन मांग रहे हैं अभी मेरे जवाब की, तो मैं फिर से आपकी जो है तसल्ली के लिए रिपीटेशन दे देता हूँ। मेरे नजदीक मेरा अपना सोच ये है कि अगर एक महिला को पहली बीवी को उसकी दूसरे अपने खाविंद की दूसरी बीवी से कोई मसला नहीं है, कोई एतराज नहीं है और वो इस पर मुत्तफिक है कि उसका उसका शोहर जो है वो दूसरी शादी कर ले, तो फिर मैं नहीं समझता कि बाहर वाले किसी भी इंसान को उसके अंदर इंटरफेयर करने की जरूरत है या उसको कोई हक बनता है कि वो उसे ये सवाल करे कि तुमने दूसरी शादी क्यों कर की। लेकिन अगर उसकी पहली बीवी को मसला नहीं है उसी सूरत में। एक बात बताइए, यानी गिरा गुजरना जो है ना वो एक ऐसा ग्राउंड है जिसकी बुनियाद पर हम किसी चीज को सही या गलत कह सकते हैं। मान लीजिए कि मेरा एक बेटा है और वो उसकी उम्र हो गई है 5-10 साल की, अब मैं एक और बेटा पैदा करना चाहता हूँ पर मेरे बेटे को गिरा गुजरता है कि मैं एक बेटा और ना पैदा करूँ, वो चाहता है कि मैं इकलौता रहूँ, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या इस वजह से क्योंकि मेरे बेटे को गिरा गुजर रहा है मेरा एक और बेटा पैदा करना या एक और बेबी करना,
तो इस वजह से मुझ पर हराम होना चाहिए कि मैं एक और बेटा नहीं पैदा कर सकता हूँ। सवाल आपने बड़ा अच्छा किया है, मैं इसका आपको जवाब देते हुए की बात कहना चाहूंगा। मेरे नजदीक आपका जो एग्जांपल था वो इलॉजिकल था, वो इस वजह से इलॉजिकल था क्योंकि आपका अगर एक बेटा ऑलरेडी मौजूद है और आप दूसरा बेटा कर लेंगे तो इससे उसको जो है ना मेंटली तौर पर और फिजिकल तौर पर कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी पहले वाले बेटे को, लेकिन जो और इमोशनल तौर पर भी नहीं पहुंचेगी। बस अगर वो ये चाहता है कि मैं अकेला रहूं तो उसकी कोई जायज वजूहत होनी चाहिए, और एक बच्चे के पास कोई जायज वजूहत अब मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई होगी शरीर जिसकी वजह से वो आपको रोके। लेकिन एक महिला जो कि एक एडल्ट है जो कि चीजों को महसूस कर सकती है, और वो हक सिर्फ उसी का है क्योंकि बच्चों की सूरत में जो है हक सिर्फ एक बच्चे का नहीं होता, सारे बच्चों का होता, लेकिन महिला की सूरत में एक हस्बैंड के साथ रहने का हक सिर्फ एक महिला का ही होता है। तो इसलिए आपका ये जो एग्जांपल है वो उसके साथ में मैच नहीं करता, इसलिए मैं इसको जो है ना कंडम करता हूँ। और दूसरी बात, अब यहाँ पे जैसे कि मेरा वक्त बाकी है, तो अब मेरी बात को मजीद साबित करने के लिए अब मैं आपसे ये मुतालबा करता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि क्या इस्लाम में अगर मुझे मेरी बीवी ने इजाजत फराहम नहीं की तो क्या मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता मेरी बीवी की इजाजत के बगैर? जी अभी तो इजाजत के बगैर शादी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता उस पर बाद में बात आएगी। भाई आपने ही एक ग्राउंड दिया था मुझको, एक बुनियाद दी थी, एक क्राइटेरिया दिया था, और उसी क्राइटेरिया पे मैंने सवाल किया, बच्चे को गिरा गुजरना चाहिए कि नहीं गुजरना चाहिए। वो अपनी जगह पर बच्चे को गिरा गुजर रहे हैं, बच्चा है 20 साल का, मान लीजिए एक बेटा मेरा हो गया 20 साल का, अभी मुझे एक बेबी करना है और उसको भारी पड़ रहा है, उसको गिरा गुजर रहा है, गिरा गुजरना सही या गलत है वो अपनी जगह पर, उसको गिरा गुजर रहा है, और तो क्या उसके यानी आप अपना जो जो आपकी बुनियाद है ना क्राइटेरिया, जिसकी बुनियाद पर आप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, वो क्राइटेरिया डिफाइन कर दीजिए। इसलिए मैं चाहता हूँ, अभी पहले आपने पसंद वाली बात कही, उस पर भी आपने फिर उससे भी फिर गए, फिर आपने मेयार वाली ओ गिना वाली बात कही उससे भी आप फिर गए, फिर आपने वो पर्सनल लॉ वाली बात कही उससे भी आप फिर गए। अभी मैं आप ही के दिए हुए ग्राउंड पर समझना चाह रहा हूँ कि आप किस बुनियाद पर किसी चीज़ को सही या गलत कहते हैं। गिरा वाली बात आप ही ने कही थी कि लड़की औरत को गिरा गुजरता है, उसी पर मैंने पूछा कि भाई लड़के को गिरा गुजर रहा है, गिरा गुजरना सही गलत है वो अभी एक दूसरी बहस है, लड़के को गिरा गुजर रहा है एक और बेबी करना, उसको तकलीफ होगी तो क्या उसके गिरा गुजरने की वजह से मैं एक बेबी और पैदा नहीं कर सकता? गिरा गुजर रहा है उसको, सही गुजर रहा है गलत गुजर रहा है? अब या अगर आप या फिर आप ये बोल देंगे गिरा गुजरना उसका सही होना चाहिए, ऐसा आप बोलेंगे तो मैं उस पर फिर एक और सवाल करूंगा आपसे। हाँ, और जब तक टॉपिक खत्म नहीं होगा हम दूसरी टॉपिक की तरफ नहीं जाएंगे। चलिए, टॉपिक से हटना तो मेरी भी आदत नहीं है, मैं भी ऑन टॉपिक की बात करता हूँ, लेकिन अभी इस वक्त जो है ना बात करते हुए आप मेरे पर तीन तोहमतें लगा चुके हैं कि मैंने पहले जो है मर्जी की बात की, फिर मैंने गरा की बात की, फिर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, और मैं सबसे हट गया। आप ये स्ट्रीम स्ट्रीम को होने के बाद दोबारा सुनिएगा, मैंने जो जो स्टैंड स्टार्ट से लिया है मैं अब तक एक भी स्टैंड से नहीं हटा, मेरे स्टैंड वहीं के वहीं है। लेकिन अभी जो कंपैरिजन में शेख सरफराज आप मेरा टाइम में ना बोले हैं। जी जी, मेरा टाइम आप दोबारा से उतना एक्सटेंशन आप दोबारा से टाइम स्टार्ट करें, मैं म्यूट कर रहा हूं। करिए, स्टार्ट कर दिए, एक मिनट टाइम रोक दीजिए। मैं गुजारिश करना चाहूंगा सरफराज साहब, अगर आप टाइम से बात कर रहे हैं तो फिर टाइम का आप ख्याल रखें, भले ही आपको मेरी बात की बात कर रहे हैं उस पे बात करिए आप, भले ही शेख सरफराज आप होल्ड करें, उनका टाइम जब खत्म हो जाए तब आप बोले। हां जी, नहीं फैसला सुना रहे हैं टाइमिंग में मुझे, नहीं फिर भी होल्ड करें शेख, सॉरी आपने मेरे ऊपर फैसला सुनाया। समीर भाई अग्रीड, मैं भी आपके साथ बोल रहा हूँ, आप कंटिन्यू करिए। हाँ, स्टार्ट करिए, आपका टाइम फिर से स्टार्ट कीजिए। चलो शुक्रिया। मैंने यहाँ पर अभी ये बात की थी कि उसको गरा गुजरता है और इस वजह से हम समझते हैं कि उसकी दिल आजारी होती है, उसका दिल दुखता है, इसलिए किसी शोहर का जो है शादी करना उसकी मर्जी के बगैर वो सही नहीं है। और जहाँ तक आपने मर्जी की बात की थी तो वहाँ मैं आपके साथ जो है मुत्तफिक हुआ और आपके साथ खड़ा हुआ कि हाँ, अगर पहली बीवी को कोई मसला नहीं है और उसको कोई तकलीफ नहीं है तो दूसरी शादी करने में कतन कोई परेशानी, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मसला नहीं है, मैं इस पे आपके साथ हूँ। तो यहाँ पर जब हम दोनों एक ही स्टैंड पर खड़े हो गए हैं आकर के, और अब मसला हमारा ये है कि उसकी उसकी जो बीवी है जिसका सिर्फ अकेला हक है,
बच्चों का कभी अकेला हक नहीं होता, एक वालिदैन जो है एक से ज्यादा बच्चे पैदा कर सकते हैं, इसमें बच्चों को कभी कोई मसला नहीं होता। आमतौर पर मैंने कभी ऐसा एग्जाम्पल नहीं सुना, आपने कहीं सुना हो तो मुझे बता दीजिएगा कि आपने कहां ये एग्जाम्पल सुना कि एक बच्चे ने कहा अपने बाप को अपनी माँ को कि तुम दूसरा बच्चा पैदा मत करना क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भाई और बहन पैदा हो। लेकिन मैं से आपको हजारों बता सकता हूँ एग्जाम्पल जहां बीवियों को जो है तकलीफ हुई है दूसरी बीवी कर लेने से, और लोगों की जो है शादियां तक भी टूट गई है दूसरी बीवी के साथ ताल्लुकात रखने से और दूसरी शादी करने की वजह से। आप अगर एक मुझे एग्जाम्पल ऐसा बता देना कि बच्चे घर छोड़ के भाग गए क्योंकि माँ बाप ने दूसरा बच्चा पैदा कर लिया, तो मैं आपकी बात को लॉजिकल मान लूंगा। सो इट वॉज टोटली इलॉजिकल। तो अब जब दोनों का स्टैंड यहाँ पर ये आ चुका है, क्लियरली हम दोनों एक स्टैंड पर खड़े हैं कि बीवी की इजाजत के साथ कोई मसला नहीं है और बीवी की इजाजत के बगैर मसला है, तो अब यहाँ पर आगे की बात जो होगी वो ये होगी कि अब आपको ये साबित करना है मुझे कि क्या इस्लाम में रहते हुए एक बीइंग अ मुस्लिम क्या मेरे लिए औरत की इजाजत जरूरी है दूसरा निकाह करने के लिए, फर्ज है या गैर जरूरी है। टाइम अप जी भाई, मैं तो सीधी सीधी बात एक सवाल कर रहा हूं और मुझे अभी तक के वो सवाल का जवाब नहीं मिला है। दोनों में फर्क क्या है मैं ये बोल रहा हूँ। आपने खुद बताया, आपने खुद एक क्राइटेरिया तय किया कि क्योंकि पहली बीवी को गिरा गुजरता है इसलिए दूसरी बीवी नहीं लाना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि एक लड़के को गिरा गुजरता है, लड़का हो गया 22 साल का 25 साल का हो गया, उसको ना बुरा लगता है, उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे अगर उसकी माँ प्रेग्नेंट हो तो, वो नहीं चाहता कि उसकी माँ प्रेग्नेंट हो, उसका मजाक उड़ाएंगे उसके दोस्त लोग, इसलिए उसको गिरा गुजर रहा है। और ऐसा होता है, मैं मिसालें भी दे सकता हूँ आपको, कॉमन है बहुत। लड़के बड़े हो जाते हैं ना तो उनको बुरा लगता है अगर उनके अब्बा के बच्चे होने वाले हैं, तो ऐसा है, होता है ऐसा। तो अब ये सीधी बात है कि लड़के को गिरा गुजर रहा है तो दूसरा लड़का क्यों ला सकते हैं अगर बीवी को गिरा गुजर रहा है। ये जो आप बोल रहे हैं ना कि दोनों का हक बराबर होता है, हक बराबर होता है नहीं होता है तो फिर डिबेट हो जाएगी अलग, किसका हक बराबर होता है किसका होता है किसका, वही तो बात चल रही है ना कि बीवी का हक और क्या ये हक बीवी को पहुंचता है कि नहीं पहुंचता कि वो एक और बीवी को लाने से मना करे शौहर को, उसी पे तो डिबेट चल रही है हमारी, उसी पे तो बात हो रही है। तो लड़के को गिरा गुजर रहा है, दोनों में फर्क क्या है ये बताइए आप मुझको, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप बीवी के गिरा गुजरने पर कह रहे हैं कि दूसरी बीवी नहीं ला सकते और लड़के के गिरा गुजरने पर आप इजाजत देने की लड़का और ला सकते हैं, दोनों में फर्क क्या है वो बताइए आप मुझको मुख्तसर में बताइए। बहुत यहाँ वहां की बात मत करिए, दूसरे टॉपिक पे मत जाइए, जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। जी जैद भाई जी। हाँ समीर भाई, अगर मोहतरम को ये लगता है कि मैं दूसरे टॉपिक पर चला गया हूँ तो मैं इसमें अब कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि शायद हमारा टॉपिक वही है स्टार्ट से, उसी पे अब तक बात कर रहे हैं, ना तो टॉपिक से मैं हटाऊँ और मैं आपके ऊपर झूठी तोहमत नहीं लगाऊंगा कि आप टॉपिक से हटे आपकी तरह जैसे आप लगा रहे हैं, क्योंकि हम दोनों एक ही टॉपिक पर बात कर रहे हैं अब तक। लेकिन जो एग्जाम्पल आपने सेट किया है मैंने उसके लिए बता दिया आपको कि वो एक लॉजिकल एग्जाम्पल है, वो इसलिए क्योंकि इसकी मिसालें जो है माशरे में बहुत ही ना के बराबर है। मैंने तो आज तक नहीं सुनी, शायद आपके अगर एक आध इंडिविजुअल कोई आपके सामने गुजरी हो वो एक फर्दर मैटर है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह की मिसालें बहुत आम है कि दूसरी बीवी करने से पहली बीवी को तकलीफ हुई है। आप मुझसे बार बार वही चीजें घुमा फिरा करके पूछ रहे हैं और बार बार उसी पर जोर दे रहे हैं, अड़े हुए हैं उस पर, तो मैं नहीं समझता कि इस नौयत में या इस तरीके से जो है ये हमारी बातचीत जो है या हमारी डिबेट जो है वो आगे बढ़ सकती है। क्योंकि एक हम एक जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर मैंने आपके साथ मुत्तफिक होते हुए आपकी राय के साथ मैंने जो है खड़े होते हुए ये कहा है कि मैं इस बात से आग्री करता हूं कि अगर पहली बीवी को मसला नहीं है तो शादी जायज है, उसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारे लिए मॉरलिटी और इंसानियत के ताल्लुक से उसकी दिल आजारी, उसका दिल दुखना, उसके हुकूक सबसे मेन है। अगर वो खुद इजाजत दे रही है और उसको खुद मसला नहीं है तो फिर वहां पर हमें कोई हक नहीं बनता कि हम उस पर एतराज करें। लेकिन अब इससे आगे आपको ये साबित करना होगा, मैं आपको आगे बढ़ने के लिए डिबेट में कह रहा हूँ कि आगे बढ़ते हुए मुझे ये साबित कीजिए कि इस्लाम में पहली बीवी की इजाजत के बगैर आप निकाह नहीं कर सकते, और अगर नहीं कर सकते तो उसका रेफरेंस दीजिए या मुझे चैलेंज कीजिए कि आप निकाह कर सकते हैं उसकी मर्जी के बगैर, तो फिर मैं आपको जो है उसका रेफरेंस देता हूँ। माइक इज योर्स। अच्छा, मैं बीच में थोड़ा टाइम पे ध्यान नहीं दे रहा था लेकिन अभी फिक्स ही रखेंगे, 2 मिनट्स क्रॉस मत करिए दोनों। हाँ जी भाई, मैं तो देखो मैं तो वही बार बार एक सवाल कर रहा हूँ और मैं बहुत आसान सा सवाल कर रहा हूँ कि बेटे पर गिरा गुजर रहा है, गुजरता है कि नहीं गुजरता है वो डिबेट ही नहीं कर रहा, मैं भी उस पर बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ बेटे पे गिरा गुजर रहा है भाई बच्चे पैदा करना, मैं उसकी गुजरता है इसकी मिसाल मैं दे दूंगा अभी आपको, लेकिन गिरा गुजर रहा है और हम इंसान हैं, एक इंसान पे गिरा गुजर रहा है तो क्यों हम इजाजत दें? बाप को देख रहा है कि बेटे पे मेरा गिरा गुजर रहा है, उसको बेटे को लग रहा है उसकी प्रॉपर्टी जो है ना उसके बाप की वो तकसीम हो जाएगी,
जैसे औरत को लगता है ना कि शोहर का खर्चा जो मुझको अब तक मिल रहा था, अब शोहर एक बीवी को और खर्चा देगा, तो बेटे को लग रहा है एक और बच्चा होगा तो प्रॉपर्टी तकसीम हो जाएगी। अभी देखिए मैं गूगल कर रहा था, मुझे पता चला कि इस पर तो एक फिल्म भी इंडिया में बन चुकी है, कोई बधाई हो नाम से, गूगल में हिंदी में आप देख सकते हैं। तो समझ में ये आ रहा है कि फिल्म भी बन गई स्पेस का, मतलब ये बड़ा सोशल मसला होगा भाई कि फिल्म बना रहे हैं लोग इंडिया में, बधाई हो। कौन क्या, इसमें विकिपीडिया पे लिखा हुआ है कि कोई ये फिल्म है, आयुष्मान खुराना और नीना गुप्ता स्टारर। तो इसका मतलब कि लड़कों को भारी पड़ता है अगर एक बच्चा और हो पैदा, यानी 20-25 साल का लड़का हो गया है ना, अगर उसकी माँ प्रेग्नेंट हो तो उसको शर्मिंदगी महसूस होती है। तो भाई गिरा गुजर रहा है, इंडिया में फिल्म भी बन गई इसके ऊपर। अभी आप बताइए, अब तो मैंने एक मिसाल भी दे दी आपको, अभी आप बताइए कि गिरा गुजर रहा है तो एक और बेबी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। चलो अभी एक काम करते हैं, आपने 3 मिनट लिए समीर भाई, आपको 3 मिनट मिल रही है जी, लेकिन मेरे पास 3 मिनट का काउंटर नहीं है यहाँ पे, तो मैं 2 मिनट लगा रहा हूँ जी। अच्छा नहीं है, मिल गया, चलो 3 मिनट्स। देखिए सरफराज साहब को मैं एक बार बता देना चाहता हूँ, और बड़ी जो है माजर के साथ ये मैं कहना चाहूंगा कि अब इन्होंने एक कंडीशन रख दी है यहाँ पर कि अगर बच्चे की उम्र जो है वो 25-30 साल है तो ये बड़े मजे की बात है। अगर आपका बेटा 25-30 साल का हो गया है तो उस उम्र में पहली बात तो मोस्टली ऑफ द पीपल जो है वो बच्चे पैदा नहीं करते, मोर देन 99%, अगर कोई 0.5% अगर ऐसा कोई किस्सा आता भी है तो वो बच्चे जो है एडल्ट हो जाते हैं और उस वक्त जो है उनको मसला हो सकता है किसी भी सूरत में। लेकिन मैं यहाँ भी आपको चैलेंज करते हुए ये कहूँगा कि इस तरह की मिसालें आपको मोस्टली मोमिनीन के अंदर मिलेगी, गैर मुस्लिमों में भी इस तरह की मिसालें नहीं मिलेगी, क्योंकि वो इस तरह के काम को अंजाम नहीं देते हैं, क्योंकि उनकी 4 बीवियाँ नहीं होती जिसमें एक की उम्र उनकी उम्र से आधी हो या बहुत कम हो, जिसके साथ वो सोहबत करके बच्चे पैदा करें। ये इस्लाम में ही पॉसिबल है और इस्लाम में ही होता है। फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर आपके पास एक भी एग्जाम्पल है इस चीज़ का गैर मुस्लिमों से, वो मेरे सामने रख दें, उसके बाद उस पर जो है सोच विचार किया जा सकता है। जहाँ तक आप रेफरेंस दे रहे हैं बॉलीवुड मूवी का, मुझे ये भी बताएं कि वो बॉलीवुड मूवी क्या किसी रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड थी, और जिस रियल इंसिडेंट के ऊपर वो मूवी बेस्ड थी उसके जो रियल कैरेक्टर हैं उनके नाम क्या क्या हैं, वो भी उसकी भी मुझे वजाहत करें, क्योंकि अभी आपने मूवी का हवाला देते हुए मूवी के एतबार पर आपने स्टैंड लिया है, तो अभी आपके जिम्मे है कि आप मुझे उसकी वजाहत करें कि क्या वो रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड थी, और रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड थी तो किस माशरे और किन लोगों के ऊपर वो बेस्ड थी, ये बताने के बाद ही अब आगे की बातचीत हो सकती है। 1.5 मिनट इनको दे दें। इनसे डेटा भी ले लें कि नॉन मुस्लिम ऐसा नहीं करते, डेटा जरूर ले लें। नहीं नहीं, इनको रहने दीजिए, मैं अकेले हूँ काफी इनके लिए। अच्छा ठीक है भाई, देखो अब वो जो फिल्म बनी है वो तो किसी उस पर बनी है, चलिए मैं नहीं होता ऐसा, मैंने ऐसा मान लिया, कभी हो गया एक जगह पर ऐसा हो गया, हाँ एक मामले में ऐसा हुआ, आप मान लीजिए प्रैक्टिकल नहीं होता लेकिन ऐसा हो गया कि एक लड़के को बुरा लग रहा है, गिरा गुजर रहा है उसके बच्चा होना, तो ऐसी सूरत में आप क्या बोलते हैं, लग रहा है एक ख्याल में हम लोग इमेजिन ही कर लेते हैं कि कोई लड़का है जिस पर गिरा गुजर रहा है, इमेजिन कर लिया मैंने, अब बताइए कि उसको दूसरी शादी, उसका बाप जो है वो दूसरा बच्चा पैदा कर सकता है कि नहीं कर सकता है। चलो बैक टू 2 मिनट्स करते हैं ताकि जरा फास्टर क्रिस्प डिस्कशन हो, तो मैं 2 मिनट्स का भी सब लोग फॉलो करिए जी, 2 मिनट स्टार्ट समीर भाई। नहीं मेरा आप आधा ही मिनट रखिए। मैं तो आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आप इमेजिनेशन करके सवाल कर रहे हैं तो मैं तो ये कहूंगा कि इमेजिनेशन में भी जवाब भी तलाश कर लें, क्योंकि यहाँ इमेजिनेशन के ऊपर बातचीत करने बैठे हैं कि मुआशरे के अंदर जो मसले हैं जो मसाइल हैं उनके ऊपर बात करने बैठे हैं। मैंने ये बोला है इंडिविजुअल, अगर एक आध केस इस तरह का है तो उसको इंडिविजुअल लेवल पर सुलझाया जा सकता है, आम चीज जो होगी माशरे में जो आम मसला होगा उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, और यहाँ हमारा मौजू जो है वो पॉलीगमी के ऊपर है, और पॉलीगमी के जो है वो सिर्फ इस्लाम में जायज है, सनातन में वो जायज नहीं है कि आप एक बीवी के रहते दूसरी बीवी से शादी करें। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की नौयत आएगी कि एक इंसान जो कि बुजुर्ग हो चुका है 40-50 साल की उम्र को पहुंच चुका है उसके पास ऐसी बीवी मौजूद हो जो कि 15-20 साल की 25 साल की हो जो कि बच्चे को जन्म देने के काबिल हो जिससे दूसरे बेटे को मसला हो सके, ये इस्लाम में ही पॉसिबल है। और ये इसके एक जो है अगर आप इसको इस तरीके से समझें कि ये इसके साइड इफेक्ट में से एक चीज है जो कि पॉलीगमी को आप प्रेजेंट कर रहे हैं इस्लाम के तौर पर, तो इसकी भी दलील अब आपके ऊपर है कि आप इसको सही साबित करें अगर ऐसी नियत भी आती है तो। जी भाई मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, मैंने पूछा था कि पहले लड़के पर गिरा गुजर रहा है
तो उसको बाप दूसरी शादी कर सकता है कि नहीं कर सकता है? आसान सा सवाल है, पता नहीं यहाँ वहाँ क्यों घूम रहे इतना ये। हालांकि इनके सारे सवालों का जवाब है, लेकिन मैं छोटा सा सवाल कर रहा हूँ और उसका जवाब नहीं दे रहे हैं कि पहले लड़के पर गिरा गुजर रहा है तो उसका बाप दूसरा बीबी कर सकता है कि नहीं कर सकता है। छोटा सा सवाल है और उसका जवाब नहीं मिल रहा है, और जवाब में पता नहीं कहाँ चीन जापान जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है जवाब। आप असल में सवाल इमेजिनेशन के, आप इमेजिनेशन के बिहाफ पे सवाल कर रहे हैं ना मुझसे, रियलिटी या ट्रुथ के बिहाफ पर सवाल नहीं कर रहे ना। तो इमेजिनेशन के सवाल का जवाब जो है मेरे ऊपर लाजिम नहीं है कि मैं आपकी इमेजिनेशन के अतबार से जवाब दूँ। जो चीजें माशरे में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं मैं उसकी पर बात करने आपसे आया हूँ, आपकी इमेजिनेशन के अतबार से नहीं। अगर आप कह दें कि कल को अगर अल्लाह जमीन पर आ गया तो उस वक्त अल्लाह को जो है बशर माना जाएगा या खालिक माना जाएगा, तो आपकी इमेजिनेशन है, मैं उसके ऊपर जवाब क्यों दूँ कि क्या माना जाएगा? जो चीज पॉसिबल नहीं है, सिर्फ आपकी इमेजिनेशन में है, उसका जवाब देने के लिए मैं मजबूर नहीं हूँ और ना मेरे लिए वो हुज्जत है। लेकिन अगर आप फिर भी इमेजिनेशन करके ये कह रहे हैं तो मैं ये कहता हूँ कि उस वक्त ये देखा जाएगा कि उस बच्चे की जो कि एतराज कर रहा है वो बच्चे की उम्र कितनी है, क्या वो बालिग है या ना बालिग है, और अगर बालिग है तो उसके एतबार से जो है वो अपना अपना मुद्दा जो है कोर्ट में लेकर के जा सकता है। उसके बाद जो जज या जो फिर जो बेंच होगी वो उसके एतबार पर फैसला देगी, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है कोर्ट में जाने का, हमारे पास कानून है। आपके पास अगर इस्लामिक कानून है तो इस्लामिक कानून के नजर से आप मुझे बताइए कि अगर ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो क्या उसमें इस्लामिक कानून क्या कहता है? फिर ये आप खुद ही फैसला करें ना। मेरा मेरा जो मुद्दा है वो इस्लाम है, पॉलीगमी है। आप मुझे उससे भटका करके उसको जो है ना अपने इमेजिनेशन के ऊपर मुझसे सवाल जवाब कर रहे हैं जो कि मेरे लिए जरूरी नहीं, लाजिम नहीं है जवाब देना। लेकिन अगर मेरा खुद का स्टैंड आप जानना चाहते हैं, पर्सनल ओपिनियन, क्या आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है, इसमें क्या होना चाहिए, उसके एतबार से मैं आपको दे देता हूँ, मैं जवाब दे दूंगा। आप मुझे कह दें कि ठीक है अपना पर्सनल ओपिनियन बता दे, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फिर आप उस शर्त ये होगी कि मेरा पर्सनल ओपिनियन लेने के बाद आप उस पर हुज्जत नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको आगे बढ़ना होगा डिस्कशन में। समीर भाई टाइम अपन प्लीज। हाँ जी ठीक है भाई, पर्सनल ओपिनियन ही बता दीजिए अपना। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये कहता है कि अगर आपके बच्चे की उम्र 20 25 30 साल है तो आपको दूसरा बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना डिस्कशन में। नहीं नहीं भाई, गिरा गुजर रहा है तब ना। हाँ उसको तकलीफ है, नहीं करना चाहिए आपको दूसरा बच्चा पैदा। हाँ यानी उसके लिए जायज नहीं है कि दूसरा बच्चा पैदा करे वो। जायज नाजायज की बात नहीं हुई, मैंने बोला मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि उसको नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका बच्चा बालिग है, उसको गिरा गुजर रही है। अब हम तो यहाँ पे जायज नाजायज की बात कर रहे हैं ना, यहाँ तो हम जायज नाजायज की बात कर रहे हैं ना। मैंने पहले कहा कि मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूंगा, मैंने दे दिया, अब आप आगे बढ़े। तो हम तो जाए, अरे तो पर्सनल ओपिनियन आप पूरा ठीक है, मैं मेरे पर्सनल ओपिनियन को तो मैं अपने हिसाब से दूंगा ना जनाब, आपके हिसाब से थोड़ा ना दूंगा। फिर मेरा तो पर्सनल ओपिनियन आपसे जायज ना जायज के बारे में मांगा था ना, आप इतना डर क्यों रहे? लेकिन जनाब मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे जितनी बात आप कर रहे हैं उनका जवाब दे रहा हूँ। तो सवाल में जवाब दीजिए ना, जायज ठीक है मेरे हिसाब से। हाँ ठीक है, अगर उसका बच्चा बालिग है 25-30 साल की उम्र का है, उसको एतराज है, तो मेरे हिसाब से जायज नहीं है कि वो दूसरा बच्चा पैदा करे, प्लीज आगे बढ़े। तो ठीक है, हमारे हिसाब से ये है कि गिरा गुजर, अब ये मैं फाइनल जवाब दे रहा हूँ अपना, हाँ कि हमारे हिसाब से गिरा गुजरना किसी के ऊपर किसी चीज का ये बेस नहीं बन सकती है किसी चीज को जायज या नाजायज करा देने की। असल ये होना चाहिए कि भाई गिरा उसको वाकईतन गुजर रहा है, वो गिरा गुजरना उसके ऊपर एक उसकी कोई बुनियाद है या बेबुनियाद है कि ऐसे ही उसके ऊपर गिरा गुजर रहा है। हम ये कहते हैं कि औरत पर अगर गिरा गुजर रहा है तो उसको सब्र करना चाहिए, क्योंकि उसके थोड़े से सब्र करने की वजह से एक औरत को पूरा शौहर मिल जाएगा। तो गिरा गुजरना या नहीं गुजरना, इसकी बुनियाद पर हम कोई कानून नहीं बना सकते, किसी चीज को जायज या नाजायज नहीं बोल सकते। एक औरत को गिरा गुजर रहा है कि उसका शौहर दूसरी शादी कर रहा है, लेकिन उसका एक फायदा ये हो रहा है ना कि एक औरत जो बेवा थी, जिसके 2-3 बच्चे थे, वो पाल पोस करके उनको बड़ा नहीं कर पा रही थी, कोई औरत थी जिसकी उम्र हो गई थी और उसका निकाह नहीं हो रहा था, कोई औरत को खुला हो गया था, उसको एक पूरा शौहर मिल गया, तो इसने थोड़ा सा गिरा गुजरा इसके ऊपर, लेकिन क्योंकि उसका फायदा ज्यादा है तो गिरा गुजरना एक नुकसान है, पर इस नुकसान को बर्दाश्त कर लेना चाहिए। जैसा बच्चों के मामले में हम करते हैं कि मेरा बच्चा अगर है उसको गिरा गुजर रहा है, लेकिन उसके गिरा गुजरने की वजह से मैं सेकेंड बेबी नहीं करूंगा, बल्कि उसको समझाऊंगा, उसको कन्विंस करूंगा और उसको बोलूंगा कि तुम सब्र करो। ये मेरा जवाब। आपने टाइम नहीं लगाया, हो गया ना फिनिश, अब कन्वर्सेशन चल रही थी जी, अभी बताइए, टाइम लगा लेता हूं दोनों पे लगाऊंगा। देखिए हजरत ने यहाँ पे बहुत अच्छी बात करते हुए ये कहा है
कि उसको अगर गला गुजरता है तो उसको सबर कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके सबर करने की वजह से एक जो विडो है या जो एक बेसहारा औरत है उसको सहारा मिल रहा है, जो जो जिसका तलाक हो गया है या जिसके शौहर का इंतकाल हो गया है, जो बेसहारा है, गरीब है, इस तरह की जो वुमन है उसको सहारा मिल रहा है, इसलिए उसको सबर कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर अब मेरा ये फर्ज बनता है कि अब मैं हजरत से यह दलील मांगू कि आप मुझे बताइए कि इस्लाम के अंदर सिर्फ ऐसी ही महिलाओं से दूसरा निकाह करना जायज है जिनको तलाक हो गया है, जो बेवा है, या जिनका खाविन का इंतकाल हो गया है, जो बेसहारा है, क्या इन्हीं से निकाह करना दूसरा जायज है, या आम तौर पर किसी एक कम उम्र की लड़की से और किसी अच्छे घर की, अच्छे परिवार की खुशहाल लड़की से भी मुसलमान निकाह कर सकता है? प्लीज इसका जवाब दे दे, यहीं पर आपका स्टैंड पता चल जाएगा। दो जवाब जी, टाइम चल रहा है आपका। हाँ, जी जी बिल्कुल दीजिए। हाँ। देखिए जैद भाई, जब इनके उस पर आर्ग्यूमेंट बात हो रही थी तो ये कोई वजाहत तो किए नहीं, मैंने इनके गिरा वाले उस पर जवाब दिया कि गिरा कोई मेयार नहीं बन सकते हैं गिरा गुजरना। अब इनको प्रूफ करना है कि नहीं गिरा गुजरने को हम मेयार बना सकते हैं, उसके क्राइटेरिया पे किसी चीज को जायज या नाजायज बोल सकते हैं, ये इनके जिम्मे मेरा सवाल है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट ये दूसरी तरफ लेकर के जा रहे हैं। बाकी और आदमी जो है ना, हकीकत में शरीयत के एतबार से आदमी बेवा, मुतल्लका, मुख्तलिया, कुंवारी किसी भी लड़की से दूसरा निकाह कर सकता है, पर प्रैक्टिकली ये होता है कि आदमी जब दूसरा निकाह करता है तो उसको कुंवारी लड़की नहीं मिलती है, वो आमतौर पे बेवा, मुतल्लका, मुख्तलिया, इन औरतों को, यही औरतें उसको दूसरी बीवी बनने के लिए मिलती हैं। तो प्रैक्टिकली सहारा ऐसा आदमी बन जाता है बेवा, मुतल्लका, मुख्तलिया औरतों के लिए। या अगर कुंवारी लड़की कोई मिल गया तो मिला ना शौहर, शौहर तो मिला ना, फायदा तो हुआ ना उसका, उसको एक शौहर मिल गया, उसकी रजामंदी से मिला, उसको जबरदस्ती तो नहीं की गई ना, वो शौहर से शादी करना चाहती थी, उसको शौहर मिल गया, तो ठीक है कुंवारी को भी उसमें शामिल कर लीजिए ना। एक औरत को गिरा गुजरा पर एक कुंवारी लड़की को शौहर मिल गया, तो हम कहते हैं गिरा गुजरना छोटी सी मुसीबत है, उसके मुकाबले में एक कुंवारी लड़की को शौहर मिल गया ये ज्यादा फायदे की बात है। चलिए कुंवारी लड़की को ही मान करके मैं अपना आर्ग्यूमेंट रख देता हूँ, लेकिन अभी आपको जवाब ये देना है कि गिरा गुजरने की बुनियाद पर क्या हम किसी चीज को जायज या नाजायज बोल सकते हैं? जी समीर भाई। जी मेरा टाइमर लगा दे। देखिए मेरे ऊपर शुरू से अब तक ये बहतान लगाने वाले सरफराज फैजी हजरत साहब कि मैं डिस्कशन से अपने पॉइंट से भाग गया, इस बार अपने पॉइंट से इतनी बुरी तरीके से भागे कि उस पर जवाब ही नहीं दिया, और 10 तरह की बातें करते हुए ये कहा कि चलिए ये मान लेते, चलिए वो मान लेते हैं, जबकि इनका मुद्दा और इनकी दलील ये थी कि ये निकाह इसलिए जायज है क्योंकि इससे बेसहारा महिलाओं को, मुतल्लका को, बेवाओं को सहारा मिलता है। जब मैंने इनसे पूछ लिया गया क्या सिर्फ ऐसी ही लड़कियों से दूसरा निकाह करना जायज है, तो ये उसका जवाब ना देते हुए जलेबी बनाते हुए नजर आए। सिर्फ यहाँ पर मैं फिर इनसे यही सवाल करता हूँ, और इनकी जो मजीद इन्होंने बातचीत की है उसके एतबार से ये पूछता हूँ कि अगर चले ये आप तो जवाब नहीं दे पाए, आगे बढ़ते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक कुंवारी लड़की से उसने शादी कर ली एक पहली बीवी होने के, जो कि अच्छे घर से थी, अच्छे परिवार से थी, मालदार घराने की थी, कुंवारी थी, खूबसूरत थी, उसको तो कोई और भी शोहर मिल जाता, वो ऐसे ही लड़के से शादी क्यों करती जिसकी पहले से ही एक बीवी है? और अगर वो शादी करके ला रहा है उससे उसकी बीवी को भी तकलीफ पहुंच रही है, तो क्या ये रास्ता नहीं हो सकता था कि वो किसी कुंवारे लड़के से शादी कर लेती जिसकी अब तक शादी नहीं हुई है? मैं आपको ऐसी हजारों मिसालें दिखा सकता हूँ मुस्लिम समाज में, क्योंकि मैं उसी 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 कौम से निकल करके बाहर आया हूँ जहां मेरे खुद के आसपास के लोगों में लड़के जो है 30-35 साल की उम्र में फिर रहे हैं लेकिन उनकी शादियां नहीं होती, वजूहत कुछ भी हो, चाहे दहेज हो, चाहे जो है उनका मेल ना मिल रहा हो, या उनके रिश्तेदारी के ताल्लुक खराब हो, या कुछ भी हो, 30-35 साल के लड़के कंवारे घूम रहे हैं। क्या आप लोगों को ऐसा मुआशरा तैयार नहीं करना चाहिए जहां पे इन कंवारे लड़कों की शादी कराई जाए, बनिस्बत इसके कि वो एक आदमी जिसकी पहले से एक एक दो दो बीवियां है वो तीसरी शादी कंवारी बच्ची से कर रहा है? अगर आप मुझसे मांगेंगे तो मैं दे दूंगा आपको इसका भी एग्जाम्पल कि लोगों ने किए हैं। जी क्या किसी चीज पर गिरा गुजरने की वजह से किसी चीज को जायज या नाजायज कहा जा सकता है, सिर्फ इस वजह से कि कुछ लोगों पे गिरा गुजर रहा है एक चीज को जायज या नाजायज कहा जा सकता है कि नहीं, ये सवाल है मेरा। अभी इन्होंने अपना टाइम मुझे दे दिया, बहुत बहुत मेहरबानी, तो मैं यहाँ गुजारिश करूंगा कि अगली बार चाहे इनको 3 मिनट या 4 मिनट दे दीजिए, इस वक्त मुझे 3 मिनट दे दीजिए क्योंकि मुझे इसके लिए एक एग्जाम्पल बताना होगा इनको ताकि हजरत को समझ में आए। तो मेरी इज्जत पटेल साहब से गुजारिश है 3 मिनट इस बार मुझे दे दें। 3 मिनट्स करते हैं। चलिए चलिए कर लीजिए।
इन्होंने ये कहा है कि क्या किसी को बुरा लगना इस बात की हुज्जत हो सकती है कि वो उस काम को ना करे या गरा गुजर रहा है। डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग ये समझते हैं पर्सनली कि किसी चीज को महसूस करना, फील करना ही सबसे बड़ी चीज होती है दुनिया के अंदर। एक लड़की जिसका रेप किया जा रहा है और एक लड़की जिसके साथ सोहबत की जा रही है, इन दोनों में कोई अलग स्पेशल काम नहीं होता, काम एक ही होता है, लेकिन दोनों में फर्क है। अगर कोई बालिग लड़की, हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक अगर एग्जांपल देता हूं मैं, तो कोई बालिग लड़की और कोई बालिग लड़का अगर आपस में ताल्लुकात कायम करते हैं तो वो ताल्लुकात कायम करने से उन दोनों पर कोई सजा नहीं है, ना कोई मुकदमा है। लेकिन अगर कोई आदमी किसी वुमन का रेप करता है, इस पर सजा है। इसका रीजन ये है कि जब कोई लड़की अपनी मर्जी से किसी लड़के के साथ इंटीमेट होती है, जिस्मानी ताल्लुकात कायम करती है, तो उसमें उसको प्लेजर मिलता है, उसको खुशी मिलती है, क्योंकि उसमें उसकी मर्जी होती है, उसकी चाहत होती है। लेकिन जब उस लड़की की मर्जी और उस लड़की की चाहत के बगैर उससे वो जिस्मानी ताल्लुकात किया जाता है, उसको रेप कहा जाता है, क्योंकि उसकी चाहत नहीं होती, उसकी मर्जी नहीं होती उस काम को करने के लिए, वो तैयार नहीं होती, ना मेंटली, ना फिजिकली, ना इमोशनली, इसीलिए उसको तकलीफ गुजरती है। और अक्सर रेप विक्टिम लड़कियां जो है वो सुसाइड तक कर लेती है इस वजह से कि उनके साथ रेप किया गया, उससे उसकी उसकी तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए। ये सिर्फ चाहत और सोच का ही फर्क है नजरियात का, और इसीलिए एक रेपिस्ट को सजा देने का प्रावधान है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन अगर दो बालिग लोग, एडल्ट लोग जिस्मानी ताल्लुकात कायम करें, उस पर कोई कानून, कोई प्रावधान नहीं है। ये आपकी बात का जवाब था कि किसी को गिरा गुजरती है तो वो काम करना क्यों गलत है, और गिरा नहीं गुजरती तो वो काम क्यों किया जा सकता है। जी सरफराज साहब, मैं असल में मेरा सवाल आप समझ नहीं पाए। मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या सिर्फ सिर्फ गिरा गुजरने की वजह से, कि किसी को गिरा गुजर रहा है, कोई कानून बना के किसी चीज को जायज या नाजायज करार दिया जा सकता है सिर्फ सिर्फ गिरा गुजरने की वजह से? क्योंकि आपने कहा ना कि गिरा गुजरता है इस वजह से नहीं करना चाहिए, और तो कोई वजह आपने बताई नहीं। आपने कहा सिर्फ इसलिए क्योंकि गिरा गुजरता है पहली बीवी को, इसलिए दूसरा निकाह नहीं करना चाहिए। तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या सिर्फ गिरा गुजरने से कानून बना करके किसी चीज को जायज या नाजायज करार दिया जा सकता है? सिर्फ 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 मैंने अपना स्टैंड बहुत क्लियरली रखा है, सिर्फ उसको गरा गुजरने के एतबार से उस काम को नाजायज करार दिया जाना चाहिए, और दिया जाता है हमारे हिंदुस्तान के कानून में। उसकी चाहत नहीं होती, उसको तकलीफ होती है, इसीलिए उसके साथ सेक्सुअल इंटीमेट करने की वजह से उस इंसान को रेपिस्ट का चार्ज लगा करके उसको सजा दी जाती है। सिर्फ उसकी चाहत के खिलाफ काम होने की वजह से, उसको तकलीफ जो पहुंची है उसकी चाहत ना होने की वजह से, उसको गरा गुजरा है वो चीज इसी वजह से। लेकिन इस्लाम में यही काम को जायज करार दिया जाता है। एक वुमन को गरा गुजरने के बाद भी आपको इजाजत है दूसरी शादी करने की। मैंने जो आपसे सवाल किया था, आपने उसमें मुझे अब तक जवाब नहीं दिया है, और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप मुझे साबित कर दें सियासीता की किसी भी किताब से, किसी भी सुन्ना से, इस्लाम की किसी भी किताब से, कि आप के लिए पहली बीवी की इजाजत जरूरी है दूसरा निकाह करने के लिए। अगर वो इजाजत नहीं देती तो आप निकाह नहीं कर सकते। वो मेरा अभी तक आपके ऊपर ड्यू है, इसका आपने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया है। मैंने अपना जवाब बहुत क्लियरली आपको बता दिया। अब मेरा आपसे मुतालबा है, प्लीज मुझे वो रेफरेंस पेश करें या वो दलील पेश करें जिसमें आप ये कहते हैं कि एक महिला की मर्जी के बगैर निकाह नहीं कर सकता एक मोमिन दूसरा। जी ठीक है, अगर सिर्फ गिरा गुजरने की वजह से किसी चीज को कोई कानून नहीं लगाया जा सकता, कोई पाबंदी नहीं की जा सकती, मैं समझना चाहता हूँ। असल में मैं तो अभी समझ रहा हूँ कि आपका आप किसी किस बुनियाद पर किसी चीज़ को जायज़ या नाजायज़ बोलते हैं। तो जैसे हुकूमत ने लॉकडाउन में पाबंदी लगा दी कि आपको मास्क पहन करके बाहर निकलना है, और मुझे गिरा गुजरता है मास्क पहनना, तो क्या गवर्नमेंट मुझको मजबूर कर सकती है मास्क पहनने पर? मुझे गिरा गुजरता है मास्क पहनना, मुझे सफोकेशन होता है, मुझे नहीं पसंद है, तो क्या गवर्नमेंट मजबूर कर सकती है? सिर्फ गिरा गुजरना, क्योंकि मुझे तो गिरा गुजर रहा है, तो क्या गवर्नमेंट मुझको मजबूर कर सकती है? सवाल है मेरा। फिर से एक और फुलिश आर्गुमेंट आपने रखते हुए मुझसे सवाल किया है, लेकिन जब तक मैं डिस्कशन में हूँ मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपके एक एक सवाल का जवाब दूँ, तो मैं चले इसका भी जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपने कहा है कि हिंदुस्तान के कानून ने ये अलाउ किया है कि आप जब बाहर निकले तो मास्क पहन करके निकले, वरना आप ना निकले, तो और मुझे गरा गुजरता है, तो क्या मैं उसको नहीं पहनूं और मेरा ना पहनना क्या ये जायज़ होगा? तो मैं आपको यहाँ बता दूं, इसके लिए जायज़ वजूहात होनी चाहिए।
आपकी कोई मेडिकल कंडीशन होनी चाहिए या आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम होनी चाहिए जिसकी वजह से मास्क पहनने से आपको प्रॉब्लम है, उसके लिए दूसरा कोई रास्ता ईजाद किया जाएगा या आप जो है बाहर जाने से बचेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के कानून को आपको मानना होगा जो आपके लिए बनाया गया है। फिर अगर आप उसको नहीं मानते और आप उससे बच करके निकलते हैं तो आपके लिए सजा भी है, डेफिनेटली जुर्माना हो सकता है, लेकिन आपकी जान नहीं जाएगी, आप जो है मेंटली हैरेस नहीं होंगे, आप अंदर से इतने नहीं टूट जाएंगे कि आप सुसाइड तक कमिट कर ले जैसा कि माशरे में होता आया है। तो आप मुझे अगर कोई दलील दे रहे हैं तो कम से कम उस मुकाबले की दलील दे जिस मौजू के ऊपर आप बात कर रहे हैं, ये दलील नहीं होती जो आप। मैं अच्छे से समझ सुन नहीं पाया, फिर से बोलिए ना जैद भाई, इनका टाइमर फिर से लगा दीजिए, फिर से बोलिए ना, मैं समझ नहीं पाया आप क्या बोल रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप सुन नहीं पाए तो आप ये वीडियो रिवाइंड करके दोबारा सुन ले, एक बात को दो बार बोलना मेरी आदत नहीं है। देखिए भाई, अभी तो जो सुन रहे हैं ना वो समझ रहे हैं अच्छे से, इन्होंने कहा सिर्फ गिरा गुजरने की वजह से किसी चीज पर पाबंदी लगाई जा सकती नहीं लगाई जा सकती, इन्होंने कहा लगाई जा सकती है। तो भाई बोल रहा मुझे मास्क पहनने से गिरा गुजरता है तो अब मेरे लिए तो फिर जायज होना चाहिए कि मैं बगैर मास्क पहने निकलूं। तो अब इन्होंने हेल्थ कंडीशन की बात लगा दी, यानी सिर्फ गिरा गुजरने की बुनियाद पर कोई चीज को जायज या नाजायज नहीं किया जा सकता है, उसके अलावा भी बेनिफिट देखने पड़ेंगे। तो हम भी तो वही कह रहे हैं जो आपने मास्क के बारे में कहा ना कि सिर्फ गिरा गुजर रहा है इस वजह से मुझे इजाजत नहीं होगी कि मैं खुले घूमूं, बल्कि मेडिकल कंडीशंस और दूसरे बेनिफिट भी देखने पड़ेंगे। तो हम भी यही बोल रहे हैं कि एक औरत पे गिरा गुजर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि दूसरे बेनिफिट हैं इस वजह से इजाजत देना चाहिए दूसरी शादी की, हम ये बोल रहे हैं। अब बेनिफिट है कि नहीं वो एक अलग डिसीजन हो जाएगा, लेकिन पहले आप ये आपके जो आपने जो एक बताया था कानून ना कि गिरा गुजरने की बुनियाद पर किसी चीज से मना नहीं किया जा सकता है, तो वो तो आपने खुद तस्लीम कर लिया कि अगर गिरा भी गुजर रहा हो एक चीज, लेकिन अगर उसके दूसरे फायदे हों तो उसकी इजाजत होनी चाहिए, ऐसी चीजों पर पाबंदी लगाई जा सकती है। तो वो जो मैं पॉइंट साबित करना चाहता था वो तो आपने तस्लीम कर लिया खुद। जी समीर भाई स्टार्ट। जी मेरा टाइमर है, मुझे जवाब देना है, लेकिन मुझे हंसी आ रही है बहुत ज्यादा। इन्होंने ये कहा है कि वो तो हम लोगों को भी हंसी आ रही। जी शेख शाबान प्लीज बीच में ना बोले मुझे। चले आप पहले हंस ले, अपनी बात बाद में रख लूंगा। जी शुरू करिए, मैं आपको फिर से टाइमर लगा के दे रहा हूँ। जी स्टार्ट करिए। देखिए इन्होंने कहा है कि अगर उसको गिरा गुजर रही है इस बुनियाद पर नहीं हो सकता, मास्क एग्जांपल दे रहे हैं, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि उस इंसान को अगर आपको मास्क पहनने से सफोकेशन हो रहा है तो क्या ये गरा मास्क पर गुजर रही है कि आप पर गुजर रही है? ये तो गरा आप पर गुजर रही है, मास्क पर तो नहीं गुजर रही, लेकिन जो शादी आप कर रहे हैं उसका फायदा तो आप उठा रहे हैं, पर गरा बीवी के ऊपर गुजर रही है। दूसरे को तकलीफ दे करके अपना फायदा हासिल करना ये इंसानियत के खिलाफ है। आपके मास्क पहनने से आपके मास्क को तकलीफ नहीं होगी, आपको तकलीफ होगी। उसके लिए और भी रास्ते हैं, आप अपना काम किसी और से करा ले, आप ऑनलाइन काम कर ले, बाहर ना जाए, घर के किसी शख्स की मदद ले ले। इसके लिए मैंने आगे वैलिड जो है आपको रीजन भी दिए हैं, ये भी बताया है कि ऐसी कंडीशन में कोई और रास्ते भी तलाश कर लिए जाएंगे। आपको मास्क लगाने में प्रॉब्लम है, आप कुछ और तरह की चीजें इस्तेमाल कर ले, तो ये एक अलग चीज हो सकती है। ये जरूरी तो नहीं है कि मास्क पहन करके ऑल टाइम आपको बाहर घूमना है, नहीं। अगर आपको अपना काम करना है तो उसके लिए और तरीका कार हो सकते हैं, और कुछ जो है रास्ता अख्तियार किए जा सकते हैं, लेकिन वो जो गरा गुजरेगी वो आपके ऊपर गुजरेगी जनाब, उस कंडीशन में आपके मास्क पर नहीं गुजरेगी। यहाँ पर आपने मास्क की जो दी है उपाधि वो आपने अपनी बीवी को दे दी, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर आपकी बीवी उस तकलीफ से गुजर रही है जिसका फायदा आप उठा रहे हैं दूसरी शादी करके। आपकी दूसरी शादी करने से आपकी पहली बीवी को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। अगर उसको कोई फायदा पहुंच रहा था होता तो वो खुद इजाजत दे देती, और अगर वो इजाजत दे देती उस कंडीशन में तो मैंने कह दिया कि आपकी दूसरी शादी जायज है, मैं उस पर सवाल ही नहीं उठा सकता। तो आपके अगर फायदे के लिए आपकी बीवी को गरा गुजर रहा है तो ये इंसानियत के खिलाफ है, मॉरलिटी के खिलाफ है, मैं इसके खिलाफ हूँ। आपके मास्क पर गरा नहीं गुजरेगा आपके मास्क पहन। सॉरी समीर आपका टाइम हो गया है, जी कैरी ऑन। बस ना, तो ये तो बोल रहे हैं ना कि फायदा नुकसान देखा जाएगा, तो हम भी तो वही बोल रहे हैं कि फायदा नुकसान देखा जाएगा, किस पे गिरा गुजर रहा है नहीं गुजर रहा है ये नहीं देखा जाएगा, फायदा नुकसान देखा जाएगा। हम ये कह रहे हैं गिरा गुजर रहा है, जैसे मास्क में ना, मास्क पहनना मुझ पर गिरा गुजर रहा है, लेकिन इसका फायदा क्योंकि मुझे मिल रहा है और दूसरी भी सोसाइटी को भी फायदा मिल रहा है, इसलिए मुझको गर्चे गिरा गुजर रहा है, पर हुकूमत के लिए जायज है कि वो मुझको मास्क पहनना मुझ पर वाजिब करा दे। वैसी दूसरी शादी का मामला है, इन्होंने जो खुद एक क्राइटेरिया बनाया था खुद उसको तोड़ दिया बोल करके। ये फायदा फायदा बार बार बोल रहे हैं ना,
अभी तक के गिना बोल रहे थे, फायदे वाली बात आ गई ना, तो हम भी तो यही बोल रहे हैं कि फायदा देखा जाएगा, गिना गुजरना नहीं गुजरना कोई बेस नहीं बन सकता है जिसकी बुनियाद पर किसी चीज को जायज या नाजायज करा दिया जाए, फायदा देखा जाएगा। जो आपने बोला ना फायदा, वही मैं भी बोल रहा हूं कि आपने जो गिना गुजरना एक बेस बनाया है ना जिसकी बुनियाद पर आप नाजायज बोल रहे हैं, ये बेस आपकी गलत है, फायदा और नुकसान देखा जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि दूसरी शादी का फायदा इतना ज्यादा है कि एक औरत पर अगर गिरा गुजर रहा है तो उसको बर्दाश्त करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इतनी सी बात में आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। नहीं मुझे पता है आपकी बात समझ में नहीं आई, और इसलिए समझ में नहीं आई क्योंकि आपने अभी खुद यह कबूल कर लिया कि किसी को गिरा गुजरने के बावजूद भी हम उस काम को कर सकते हैं क्योंकि हम फायदा और नुकसान देखेंगे, ना कि ये देखेंगे कि उस महिला पर गिरा गुजर रहा है या उसको ये चीज पसंद आ रही है। तो यही तो चीज है जिसके हम खिलाफ हैं, इस्लाम की यही चीज हमको पसंद नहीं है कि वो एक औरत की ख्वाहिश का, एक औरत की चाहत का ख्याल ना करते हुए सिर्फ फायदे पर नजर रखता है, इस वजह से दूसरी शादी की इजाजत देता है। और आप मुझे साथ में आप ये भी बताइएगा अपनी बात में मजीद जोड़ते हुए कि क्या सिर्फ दीनी या दुनियावी फायदा होने की कंडीशन पर ही दूसरी शादी की जा सकती है, या अगर किसी मर्द की चाहत हो शादी करना दूसरी तो भी शादी जायज है इस्लाम में? तो अगर आप इसको कह देते हैं कि नहीं सिर्फ दुनियावी और दीनी फायदे होने की नौयत में ही शादी दूसरी जायज है, तो आपका जो पॉइंट है वो एक वैलिड पॉइंट बन जाएगा फायदे के एतबार से। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि नहीं ये जरूरी नहीं है, अगर इंसान एक चाहे अपनी ख्वाहिश के एतमाद पर भी वो शादी कर सकता है, तो यहाँ पर फायदा सिर्फ मर्द का है, औरत को सिर्फ तकलीफ है। और फिर आगे मैं फिर वही बात दोहराता हूँ कि आपने मुझे अब तक ये रेफरेंस नहीं पेश किया है कि अगर एक औरत की, एक महिला की मर्जी ना हो तो आप निकाह नहीं कर सकते, ये भी आपके ऊपर वाजिब है। अगर इसी डिस्कशन में आप दे देंगे तो एक बेहतरीन डिस्कशन, कंप्लीट डिस्कशन होगा। इसका जवाब दे दीजिए और वो रेफरेंस दे दीजिए। जी पहले आप तस्लीम कर लीजिए कि आपने गिरा गुजरने का जो क्राइटेरिया बनाया था वो काफ़ी नहीं है, फ़ायदा और नुकसान भी देखा जाएगा। पहले आप ये तस्लीम कर लीजिए। मेरे लिए फ़ायदा नुकसान कतई हुज्जत नहीं है। अगर एक महिला की दिल आजारी हो रही है, उसका दिल दुख रहा है, उसको तकलीफ हो रही है, मेरे लिए वो फायदा नुकसान उस वक्त तक कतई हुज्जत नहीं है जब तक वो फायदा और नुकसान उस महिला का ना हो। लेकिन आपने फायदे नुकसान की बात करी तो मजीद मैं अपना दिल खोलते हुए ये कह रहा हूं कि आप मुझे ये साबित कर दें कि सिर्फ दीनी और दुनियावी फायदे के एतमाद पर ही दूसरी शादी की जा सकती है, एक मर्द की ख्वाहिशात के एतमाद पर नहीं। आपकी बात मैं कंप्लीट मान लूंगा, मैं किसी और अगेन। सिर्फ गिरा गुजरने की बुनियाद पर किसी को नाजायज नहीं करा दिया जा सकता है, फायदा नुकसान भी देखा जाएगा। ये आपने तस्लीम किया है, जब आप मास्क वाली मिसाल को वजाहत कर रहे थे ना तब आपने तस्लीम किया है कि सिर्फ गिरा गुजरना क्राइटेरिया नहीं हो सकता है किसी चीज को जायज या नाजायज बोलने का, फायदा नुकसान भी देखा जाएगा। ये आपने बोला है तो आप इसको तस्लीम कर लीजिए। सिर्फ जो आपने बोला है मास्क के मसले में, सिर्फ इतना आप बोलो कि आप उसको तस्लीम कर लीजिए जो आपने बोला है, ताकि हम आगे के डिस्कशन अपना आगे बढ़ा सके। मैं इतनी सी बात बोल रहा हूँ। मैं भी आपको यही बोल रहा हूँ कि डिस्कशन आप अगर चाहे तो आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपने इसमें जो है मेरा पर्सनल ओपिनियन जानते हुए मुझसे ये कहा था कि आप अपना पर्सनल ओपिनियन दे, मैंने उसके बाद देते हुए आगे की बात करी है इस वक्त। और जब मास्क की आप बार बार बात कर रहे हैं, उसमें मैंने आपको ये आर्ग्यूमेंट दिया है कि जो तकलीफ है, जो गरा गुजरने वाली चीज है, वो मास्क को नहीं है, आपको है। अगर आपको गरा गुजर रही है और फिर आप शादी करना चाहे तो करें, आपकी बीवी को गरा नहीं गुजर रही, आपको गरा गुजर रही है तो आप करें या ना करें, इट्स अप टू यू। लेकिन अगर आपकी बीवी को गरा गुजर रही है तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए। अगर आपके मास्क को गरा गुजर रही है फिर आप शादी नहीं करते, तो मेरी नजर में ये एक वैलिड आर्ग्यूमेंट होगा। आपका आर्ग्यूमेंट आपके आज के मुद्दे के ऊपर फिट ही नहीं होता, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर बीवी की तकलीफ की बात हो रही है, आपकी तकलीफ की बात नहीं हो रही है। जी देखिए, मैं तो मुसलमान हूं ना, अभी मेरे लिए किसी चीज के हलाल हो हराम होने के लिए इतना काफी था कि अल्लाह ने क्या कहा। मैं आप एक बात को तस्लीम क्यों नहीं कर रहे हैं जिसको आप बोल चुके हैं, वो आप फिर से क्यों नहीं तस्लीम कर रहे हैं?
कि गिरा गुजरना वाहिद, आपने पहले शुरू में कहा था सिर्फ गिरा गुजरने की वजह से ही किसी चीज पर पाबंदी लगाई जा सकती है। फिर आपने जब मास्क वाली मिसाल में नहीं, तो आपने बोला कि इसका ये फायदा ये नुकसान है, तो पहले एक बेस तो तय हो जाए किसी किस चीज की बुनियाद पर हम किसी चीज को जायज या नाजायज बोलते हैं, किस चीज की बुनियाद पर, फायदे या नुकसान की बुनियाद पर, या किसी चीज पर किसी पे गिरा गुजर रहा है इसकी बुनियाद पर। किसी चीज को जायज नाजायज बोलने के लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, बेसिक लॉजिक वाली बात है, जो लोग सुन रहे हैं सबके समझ में आ रही है ये बात कि किसी चीज को नाजायज बोलने के लिए ग्राउंड क्या होना चाहिए, बुनियाद क्या होनी चाहिए, उसका बेस क्या होना चाहिए, उसके अंदर फायदा है या नुकसान है, या उसके करने से किसी को गिरा गुजर रहा है तो गिरा गुजरना वो बेस होना चाहिए या फायदा और नुकसान बेस होना चाहिए। बहुत आसान सी बात मैं बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों आप उसका जवाब नहीं दे रहे, आप पूरा भाषण ही देने लगते हैं। आसान सा सवाल मैं कर रहा हूँ कि किसी चीज को जायज नाजायज करा देने के लिए सिर्फ गिरा गुजरना ही एक बेस होना चाहिए, उसी बुनियाद पर हम किसी चीज को जायज नाजायज बोलेंगे, या उसका फायदा नुकसान भी देखा जाएगा। एक चीज में इटसेल्फ फायदा है, लेकिन कुछ को गिरा गुजर रहा है, कुछ लोगों को फायदा है उसके अंदर पर, कुछ लोगों को गिरा गुजर रहा है, तो सिर्फ इस वजह से कि कुछ लोगों को गिरा गुजर रहा है एक चीज जिसके अंदर फायदा था उस पर बैन कर देना चाहिए, क्या आप ऐसा बोल रहे हैं? या आप बोल रहे हैं नहीं, अगर फायदा है तो उसकी इजाजत देनी चाहिए घर से किसी को गिरा गुजर रहा हो। दो चीजें मैंने आपके सामने रखी, मैं उम्मीद करता हूं आपकी बार आप साफ साफ जवाब देंगे। एक चीज फायदा है उसके अंदर लेकिन किसी पे गिरा गुजर रहा है इसलिए उस पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, एक चीज के अंदर फायदा है लेकिन गिरा गुजर रहा है दूसरे पे, तो जी समीर स्टार्ट। देखिए मैंने इनको चार बार जवाब दे दिया है, अगर वाकई यहाँ पर कोई अदल और इंसाफ वाला इंसान है तो वो समझ लेगा कि हाँ मैंने चारों बार इनको एक ही जवाब दिया है। मैं फिर से आपको दे रहा हूँ सरफराज साहब, गुजारिश है मेरी आपसे, सुनिए मेरे वर्ड्स को, फिर से एक बार सुनिए मेरे वर्ड्स को और आराम से ध्यान और तवज्जो से सुनिए। मैं कह रहा हूं अगर औरत को गरा गुजर रहा है आपका शादी करना, मेरे लिए ये हुज्जत है कि आपको दूसरा निकाह नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे उसको तकलीफ पहुंच रही है। और अगर फायदे और नुकसान की बात आप ला रहे हैं तो इसमें आपका फायदा नुकसान मेरे लिए हुज्जत नहीं है, ना उस महिला के लिए हुज्जत है क्योंकि वो आपका फायदा है। अगर उस महिला को उस शादी से कोई फायदा हो रहा है तो फिर ये हुज्जत हो सकती है कि हाँ उसको फायदा हो रहा है मेरे शादी करने से तो मैं शादी कर लूं। लेकिन उसको अगर फायदा होगा उस निकाह से और उसकी जरूरत महसूस होगी तो वो आपको इजाजत दे देगी और आपकी शादी बाय डिफॉल्ट वैलिड हो जाएगी क्योंकि ये उसकी मर्जी से है। पर अगर उसको गरा गुजर रहा है, वो इजाजत नहीं दे रही शादी की, लेकिन आपका फायदा है, फिर आप शादी करते हैं, मैं इसको इल्लीगल मानता हूं, गलत मानता हूं, नाजायज मानता हूं, इंसानियत के खिलाफ मानता हूं। बहुत वाजे जवाब दिया है मैंने आपको चार बार, शायद आपने मेरा जवाब सुना था, होप सो इस बार सुन लिया। चलिए ठीक है, यानी सिर्फ गिरा गुजरना जो है ना, यानी इन्होंने जो शुरू में कहा था कि सिर्फ गिरा गुजरने की बुनियाद पर ही मना किया जा सकता है, अब ये उसमें फायदा और नुकसान वाली एक बात इन्होंने शामिल कर ली है कि फायदा और नुकसान भी देखा जाएगा। तो ठीक है, फिर फायदे नुकसान पे बात करते हैं। हम कहते हैं दूसरी शादी का बहुत सारा फायदा है। अब आपने एक बात तो तस्लीम कर ली कि सिर्फ गिरा गुजरने की बुनियाद पर नहीं मना किया जाएगा बल्कि फायदा नुकसान भी देखा जाएगा कि फायदा है या नहीं है, नुकसान है या नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं ठीक है गिरा गुजर रहा है उस औरत पे, लेकिन इस दूसरी औरत को तो फायदा है ना, इसको शौहर मिल रहा है, इस आदमी का भी फायदा है, इसको एक और बीवी मिल रही है, तो दो लोगों का फायदा है और एक औरत पे थोड़ा सा गिरा गुजर रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि इन दो लोगों के फायदे की वजह से, अब आपने तस्लीम कर लिया कि फायदे की बुनियाद पर किसी चीज को जायज बोल सकते हैं, तो ये सेकेंड औरत है इसका फायदा ये है कि इसको शौहर मिल रहा है, इसका फायदा है कि इसके पास दो बीवियां आ गई हैं, तो दो लोगों का फायदा है, तो एक औरत को पे गिरा गुजर रहा है, तो शरीयत ने कहा कि ज्यादा फायदा है और उसका नुकसान कम है, तो जिसमें ज्यादा फायदा होता है नुकसान कम होता है वो चीज जायज होनी चाहिए। अभी मैं इस पे बहुत खुश हूं कि आपने तस्लीम कर लिया कि फायदा देखा जाना चाहिए, अब फायदा हम दो लोगों का फायदा देख रहे हैं। चलिए बोलिए वापस से मेरे ऊपर बहतान और अपने वर्ड मेरे मुंह में डालने की कोशिश की आपने, ये कहा कि मैंने तस्लीम कर लिया फायदा हुज्जत है, नहीं मेरे लिए फायदा हुज्जत नहीं है, 100 बार बता चुका हूं मैं आपको, मेरे लिए फायदा हुज्जत नहीं है। जब वो फायदा आपका हो, वो फायदा आपका, उस दूसरी बीवी का फायदा मेरे लिए हुज्जत नहीं है जब वो फायदा पहली बीवी को नहीं हो। मैं फायदे को वहां ऐड करूंगा जब वो फायदा उस बीवी का हो क्योंकि वो उस कंडीशन में इजाजत देगी, मेरे लिए उसकी इजाजत, शुरू से मैं यार बता रहा हूं, मेरे लिए उस महिला की चाहत और उसकी इजाजत इंपॉर्टेंट है। अगर वो अपना फायदा समझते हो या बिना फायदे के भी,
आपको इजाजत दे रही है, उसमें उसकी चाहत शामिल है, तो ही आपका दूसरा निकाह करना जायज है। अगर उसकी चाहत नहीं है, उसको गरा गुजर रहा है, उसका फायदा नहीं है, वही चीज है मेरे भाई, सेम बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपका फायदा है, दूसरी बीवी का फायदा है, दीन का फायदा है, दुनिया का फायदा है, भाड़ में जाए, मेरे लिए हुज्जत नहीं है, उसको तकलीफ हो रही है, इंसानियत के खिलाफ है। मैं फिर कह रहा हूं, फायदा नुकसान मेरे लिए हुज्जत नहीं है, उसकी चाहत, उसकी उसकी दिलाजारी, उसकी तकलीफ मेरे लिए हुज्जत है, वो हो रही है, तो आपकी दूसरी शादी को हम जायज नहीं मानते, चाहे आपका इस्लाम अलाउ करता हो, आपका फायदा अलाउ करता हो, या दुनिया की कोई भी वजूहत हो। माइक इज योर। जैद भाई एक मिनट का टाइमर रखिए, क्योंकि वो तक पूरा भाषण ही हो जाता है वो। चलो एक मिनट है, मेरे पास एक मिनट का टाइमर नहीं है, लेकिन इसे वन मिनट में काउंट कर लीजिए। हाँ, इसे वन मिनट पे स्टॉप कर लीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट। ठीक है, ठीक है, चलिए आप डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं, यहाँ तक की तो बात हो गई। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि दूसरी बीवी का फायदा क्यों हुज्जत नहीं है, पहली बीवी का फायदा क्यों हुज्जत है? अगर दूसरी बीवी का फायदा हो रहा है, उसको शौहर मिल गया, और पहली बीवी पे सिर्फ थोड़ा सा गिरा गुजर रहा है, तो दूसरी बीवी भी तो औरत ही है ना, उसका फायदा हो रहा है, तो वो हुज्जत क्यों नहीं है? पहली बीवी ही का फायदा क्यों हुज्जत है? चलिए जवाब दीजिए। दूसरी बीवी का फायदा इसलिए हुज्जत नहीं है क्योंकि वो अभी तक बीवी बनी नहीं है, उसको आप बीवी बनाने जा रहे हैं, लेकिन जो पहली बीवी है वो ऑलरेडी आपकी बीवी है, अगर उसकी इजाजत मिलेगी तो ही आप दूसरी किसी वुमन को जो है बीवी बनाएंगे, अभी तक वो आपके लिए गैर महरम है, अभी तक वो आपकी बीवी नहीं है, तो बीवी आपकी बनाने के लिए ही तो ये सारी हुज्जत पे बात हो रही है, अभी बनाई नहीं है आपने, और उसका फायदा नुकसान तब होगा जब वो बीवी बन जाएगी, उसके बीवी बनने से पहले जो मसला है उस पर हम बात कर रहे हैं। शायद आप बहुत छोटी सी बेसिक लेवल की बात भी नहीं समझ रहे हैं कि हम इसी पर तो डिस्कस कर रहे हैं कि उसको बीवी बनाया जा रहा सही है कि नहीं है, उसके फायदे नुकसान बाद में देखे जाएंगे एज अ वाइफ, अभी तो वाइफ बनी नहीं। जी जी ठीक, उससे क्या फर्क पड़ता है वो बीवी बनी कि नहीं बनी, पहली बीवी भी औरत है, दूसरी बीवी भी औरत है, एक औरत का फायदा है, एक औरत को थोड़ा सा नुकसान है, एक औरत का फायदा ज्यादा है, दूसरी औरत का नुकसान उतना बड़ा नहीं है, तो एक औरत का ज्यादा फायदा देख करके एक दूसरी औरत से अगर कहा जाए तुम थोड़ा सा नुकसान बर्दाश्त कर लो, तो ये ठीक है, ये तो लॉजिक इसको कबूल करती, भाई औरत तो दोनों ही है ना, तो एक औरत का बड़ा फायदा देख करके एक औरत को कहा जा रहा है छोटा सा नुकसान बर्दाश्त कर लो, एकदम लॉजिक के एकदम माफिक बात है। अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत ने बिल्कुल जो है ना ऐसी बात रखी है जिसके अंदर सारे इंसानों का फायदा है, तो ठीक है, ये पहली बीवी, अब दोनों तो औरत है ना, औरत का फायदा सोचना चाहिए, इंसानियत की बात आप कर रहे थे ना, तो दोनों तो इंसान है ना, तो एक इंसान का फायदा है ना इसमें ज्यादा, तो इंसानियत के हिसाब से भी तो बात सही है कि भाई ठीक है, फिर तो इजाजत होनी चाहिए। वन मिनट है सब जी। देखिए आप ये कह रहे हैं कि दूसरी औरत का फायदा है, शायद आप भूल चुके हैं कि हमारा मौजू जो है आज का वो औरत नहीं है, बीवी है। यहाँ पर आप बीवी के हुकूक पहले देखेंगे या आप दूसरी औरत के हुकूक पहले देखेंगे, जो कि अभी आपकी बीवी नहीं, आपके लिए गैर महरम है, आपके लिए उसकी जिम्मेदारी, उसकी उसकी जरूरत, उसकी उसकी चाहत को पूरा करना जरूर लाजिम है आपके ऊपर, या पहले आपके ऊपर उसकी चाहत को लाजिम पूरा करना लाजिम है जो ऑलरेडी आपकी बीवी है। आप अपनी ऑलरेडी भी जो पहले से बीवी है आपकी, पहले से आपकी आपकी जोजा है, उसको छोड़ करके, उसको तकलीफ दे करके आप दूसरी नई औरत को खुशी देने जा रहे हैं, जो अभी आपकी बीवी बनी नहीं है उसको बीवी बनाने जा रहे हैं। ये इतनी लॉजिकल बात आप कर किस तरीके से लेते हैं, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रही है, शायद लोगों के पल्ले पड़ जाए ये सुनने के बाद। जी भाई हम तो ह्यूमैनिटी, इन्होंने ह्यूमैनिटी ही का और इंसानियत ही का हवाला शुरू में खुद दिया था, ह्यूमैनिटी और इंसानियत का, और मैं उसी हिसाब से इनके दिए हुए हवाले के हिसाब से ही बात कर रहा हूँ कि वो बीवी नहीं बनी तो क्या हुआ, है तो वो औरत ही है, तो वो इंसान ही, और एक इंसान का फायदा हो रहा है तो एक इंसान के थोड़े से नुकसान को कहा जा रहा है तुम थोड़ा सा नुकसान बर्दाश्त कर लो क्योंकि दूसरे इंसान का बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है वो बीवी है कि नहीं है, है तो औरत ना, और औरत है, इंसान है, तो एक इंसान का क्योंकि फायदा हो रहा है तो दूसरे इंसान से कहा जाएगा कि तुम अभी जो तुमने अपने खुद ही ये ग्राउंड दिया है, ये बेसिक और ये बेस आप ही ने बनाया है ह्यूमैनिटी और इंसानियत वाला, तो आप ही के बनाए हुए बेस की बुनियाद पर हम कह रहे हैं कि इसमें एक इंसान का फायदा ज्यादा है और दूसरे इंसान का नुकसान कम है, तो जो बड़ा फायदा है उसको देख करके जिसका नुकसान कम हो रहा है उससे कहा जाएगी वो बर्दाश्त कर ले, आपके बनाए हुए बेस पर ही साबित हो गया ये अल्हम्दुलिल्लाह। चले अपने आपने जहन में आपने साबित कर लिया तो बड़ी खुशी की बात है, आप ह्यूमैनिटी को लेकर के आप आए हैं, ठीक है मैं ह्यूमैनिटी को मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे ये बताइएगा आप कि ह्यूमैनिटी का फायदा
जब देखा जाएगा, जब ये बात जो है ना पूरे सामाजिक तौर पर अप्लाई हो रही है। अभी तो ये सिर्फ आपके घर की बात चल रही है, चार दीवार के बीच की बात चल रही है, पूरे माशरे की बात तो नहीं चल रही। हम ह्यूमैनिटी को तब उज्जत बनाएंगे जब वो पूरे माशरे की, पूरे आवाम की बात चल रही है। अभी बात सिर्फ आपकी बीवी और आपके दरमियान और आपकी चार दीवारी की चल रही है। इसलिए यहाँ पर ह्यूमैनिटी को जबरदस्ती अप्लाई करना इलॉजिकल है। यहाँ पर एक चीज आपको समझनी होगी, अगर आप इसी को उज्जत मानते हैं कि इंसानियत का फायदा हो फलाना ढिमकर, आप मुझे बता दीजिए आपकी दूसरी शादी करने से इंसानियत का क्या फायदा हो रहा है? मैं तो नहीं समझता कि उससे इंसानियत को कोई फायदा, फायदा आपको पहुंचेगा। और अगर इंसानियत का फायदा हो रहा है तो क्या आप अपनी जोजा को मोहल्ले में एक एक दिन करके भेजेंगे कि सबका फायदा हो जाए एक साथ? फिर तो आपको ये भी करना चाहिए, अगर इंसानियत का फायदा आप करना चाहते हैं, अपनी जोजा को भेजना चाहिए आपको एक एक दिन मोहल्ले में सबके घर। बोलूं जी? स्टार्ट। ह्यूमैनिटी का मैंने हवाला नहीं दिया, आपने दिया था, तो आप अपनी जोजा को भेजिए। मैंने तो शुरू में बोला कि मेरे लिए इस्लाम ही असल चीज है और अल्लाह ताला ने इजाजत दिया इतना काफी है। ह्यूमैनिटी को आपने बेस बनाया था, तो आपकी बनाई हुई बेस के हिसाब से मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि आपकी बनाई हुई बेस के हिसाब से सही साबित हो रही है दूसरी शादी। मैंने ह्यूमैनिटी को बेस नहीं बनाया, आपने ह्यूमैनिटी का हवाला दिया था। तो जोजा को भेजना है तो आप भेज सकते हैं, मुझे कोई इतराज नहीं, आपके लिए क्या है, कोई मुश्किल भी नहीं है। तो ह्यूमैनिटी को मैंने बेस नहीं बनाया, आपने बेस बनाया था। मैंने कहा कि दो औरतों का, दो औरतें हैं, दोनों ह्यूमन हैं, दोनों इंसान हैं। एक औरत का फायदा हो रहा है कि उसको पूरा शौहर मिल जा रहा है, एक औरत को थोड़ा सा गिरा गुजर रहा है। तो जिसको गिरा गुजर रहा है उससे कहा जाएगा भाई तुम्हारी बहन को पूरा शौहर मिल जा रहा है तो तुम थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। ये आपके बनाए हुए बेस की बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ। चलिए ओके, तो मैं जवाब दे सकता हूँ। दीजिए जी, स्टार्ट। ह्यूमैनिटी की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं ह्यूमैनिटी को मैंने बेस बनाया, ह्यूमैनिटी को मैं मान रहा हूं भाई। डिस्कशन में आदमी को एक बात मैं थोड़ा सा रोकना चाहता हूं कि ये जो औकात पे उतरने लगते हैं ये लोग ना, तो डिस्कशन में ऐसी भी बात होनी चाहिए कि आदमी नहीं पर्सनल चीज पे नहीं आना चाहिए। जी समीर भाई, आई थिंक आपको देना चाहिए ना रिटर्न में आएगा ये पर्सनल का वो आता है ना जिसके पास जवाब नहीं बचता है, तो मुझे कोई मसला नहीं है जिसके पास जवाब नहीं बचता है। जरा इसको हटा दे, मैं इस बात को भी समझ लूं। मुझे क्या बुरा लगेगा, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगता है, लेकिन नहीं है आपके लिए बोल रहा हूँ ना, आप जवाब नहीं चलिए दोनों को नहीं करना चाहिए। समीर भाई आपका टाइम रिस्टार्ट कर रहा हूँ, मैं आपकी बेहतरी के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि सुनने वालों को समझ में आ जाएगा कि जिसके पास जवाब नहीं है तो आपका एतराज नहीं करना चाहिए। इंसानियत को मैंने अपना बेस बनाया है। इस वक्त जो है जिस महिला के बारे में बात हो रही, जो आपकी जोजा है, उसके हुकूक की को ख्याल रखना, उसकी दिल आजारी का ख्याल रखना, उसकी चाहत का ख्याल रखना, यही इंसानियत है इस वक्त के लिए। क्योंकि यहाँ पर इंसानियत को इम्प्लाई करने का, अप्लाई करने का जो है मकसद यही है कि एक एक इंसान को उसका हुकूक बराबर मिले। उस पहली बीवी होने के ताल्लुक से आपकी बीवी के ऊपर आपका हक है और आप पर आपकी बीवी का हक है। अगर आप वो हक अपनी बीवी से ले करके या वो हक आप किसी और के साथ बांटेंगे तो ये उस महिला के खिलाफ है, उसके हुकूक के खिलाफ है, जो कि इंसानियत के खिलाफ है। मेरा मेयार यहां पर यही है। जी मुझ पर मेरी बीबी का भी हक है, मेरी सोसाइटी का भी हक है, जो सोसाइटी में मैं रहता हूँ। तो मेरी सोसाइटी में अगर किसी औरत को एक शौहर मिल जा रहा है ना, तो उस सोसाइटी की औरत की जरूरत भी पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। तो मुझ पर मेरी सोसाइटी का भी हक है, मेरी बीवी का भी हक है। और बीवी का हक ये नहीं है, बीवी का हक जो है वो मैं उसको अदा करूंगा। बीवी का हक ये नहीं बनता है कि मैं एक और या दो या तीन या निकाह कर सकता हूँ, बीवी मुझको इससे रोके। तो एक मैं तो अब मेरे ख्याल से ये इस तरफ ना फजूली डिस्कशन हो रही है। मैंने अपना पॉइंट जो है ना वो सामने रख दिया है कि भाई दोनों औरतें हैं, दोनों औरतें इंसान हैं, एक इंसान का फायदा ज्यादा हो रहा है, एक इंसान का थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। तो ज्यादा फायदे को देख करके किसी चीज को जायज या नाजायज करा दिया जाता है, क्योंकि इसमें फायदा ज्यादा है औरतों का, इसलिए ये जायज है। बस मैं अपनी बात रख चुका पूरी, अभी और कोई मुझको बोलना नहीं आगे इसके। ठीक है, मैं भी मेरी फाइनल स्टेटमेंट देते हुए यही कहता हूँ कि अभी जो आपने मेयार तय किया है, आप पूरी तरीके से फिर से इस्लाम के कानून को फॉलो कर रहे हैं कि चाहे उस महिला को जितना गरा गुजरे आप अपना फायदा देखेंगे।
मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि अगर एक महिला का फायदा नहीं है उसके अंदर, जो आपकी अजवाज है पहले से, उसका अगर फायदा नहीं है और उसकी मर्जी नहीं है, उसकी चाहत नहीं है, मेरी नजर में ये इंसानियत के खिलाफ है, उसके हुकूक के खिलाफ है, और ऐसा करना कतन जायज नहीं है इंसानियत के पैमाने पर भी, उसके हुकूक के पैमाने पर भी। हाँ, इस्लाम के अंदर जायज है, लिहाजा आप हजरात इसको प्रैक्टिस करते हैं, इसको करते भी हैं और इसको अच्छा मानते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई भी तरीका, ऐसा कोई भी रिवाज जो कि किसी इंसान के हुकूक को छीन ले, उसके दिल आजारी करे, उसका दिल दुखाए, ऐसा इंसान, ऐसा एक भी कानून ऐसे खालिक कायनात की तरफ से हो सकता है जिसने पूरी कायनात को खल्क किया है और उसको बनाया है, और ना ही वो इंसानियत के माफिक हो सकता है। ऐसे कानून को ना अप्लाई किया जाए बल्कि उसको खत्म होना चाहिए। थैंक यू। जी मुझे बोलना है? हाँ ठीक है, मेरी बात तो जैद भाई हो गई। हमने शुरू से ये बात रखी है कि दूसरी शादी ओवरऑल इंसानियत के फायदे के लिए है। बहुत सारी औरतें जो बेवा हैं, मुतल्लका हैं, ज्यादा उम्र की कुंवारियां हैं, उनको शौहर नहीं मिल रहा, उनको शौहर मिले ये शरीयत चाहती है। मैंने इससे पहले भी कहा है, अभी भी यही बात बोल रहा हूँ कि इस्लाम में एक से ज्यादा शादियों की इजाजत इसलिए नहीं है कि हर शौहर, हर आदमी के पास दो बीवियां हों। इस्लाम में एक से ज्यादा शादी की इजाजत इसलिए है कि हर औरत को शौहर मिल जाए। तो इसमें क्योंकि ओवरऑल इंसानियत का फायदा है इसलिए ये जायज है। और ये साहब ने जो क्राइटेरिया बनाया कि गिरा गुजरता है, तो गिरा गुजरना अगर किसी चीज में ओवरऑल इंसानियत को फायदा मिल जाए तो किसी के गिरा गुजरने की वजह से उस पर बैन नहीं लगाया जा सकता। चलिए डिस्कशन। जी समीर भाई, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? और क्योंकि बात तो हो चुकी है, शायद सेम बात रिपीट हो रही है। असल में इन्होंने पहले टर्न ली थी अगर आपको याद होगा तो, आई थिंक लास्ट टर्न मेरी बनती है अगर आप जानते। सवाल आपने किया था तो मैंने कैसे पहले टर्न ले ली? मैंने बात जैद साहब से की थी लेकिन आप डिस्कशन में आए थे और आपने पहले बात रखी थी। इन्होंने कहा है कि असल में शादी करने का मतलब जो है वो वहां पर अपने ख्वाहिशात को पूरी करना या एक अमर के पास दो बीवी या चार बीवी होना नहीं मकसूद नहीं है, बल्कि ये मकसूद है कि जो मुतल्लका और जो बेवा है और जो बेसहारा है उनको सहारा दिया जाए। ये तो मैंने सवाल इनसे पहले किया था जिसके ऊपर इन्होंने जवाब नहीं दिया मुझे अब तक, कि क्या ऐसी ही लोग लड़कियों के साथ शादी करना जायज है या कुंवारी के साथ भी कर सकते? डेफिनेटली कुंवारी के साथ भी कर सकते हैं। और अगर उनको सहारा ही देना मकसूद है तो फिर आप उनको अपनी बेटी बना लें, आप उनको घर दे दें, उनकी इमदाद करें, उनको मदद पहुंचाएं, उस तरीके से भी उनकी मदद की जा सकती है। या और तरीके से मदद करना चाहते हैं तो उनकी जो है नौजवान लड़कों के साथ या उनके जैसे ही लड़कों के साथ, कंवारों के साथ या उनकी जैसे नौजवान वालों के साथ उनका निकाह करा दे जिसकी बीवी मर गई या तलाक हो गया, ऐसे इंसान के साथ शादी क्यों कराएं जिसके पास ऑलरेडी पहले से बीवी है? ये इसके खिलाफ है यहाँ पर, क्योंकि अब आपके इस्लाम में जो है ना वो एडॉप्शन का कल्चर नहीं है, आप किसी को अडॉप्ट नहीं कर सकते, आप वो काम नहीं कर सकते जिससे जनाब रसूलुल्लाह ने जो है ना अडॉप्ट नहीं किया, बल्कि जो है आप टॉपिक से बाहर जा रहे हैं। एक मिनट खत्म भी हो गई है, एक मिनट का टाइम था ना। जी फिनिश भी हो गई, आप टॉपिक से भी बाहर जा रहे थे। जी चलिए, तो कुछ सरफराज भाई अभी और एक राउंड बात करना है या हो गया? बात करते हैं एक राउंड और, मिनट तो बात करेंगे ना, उनको करना पड़ेगा। पेश कर रहे हैं ना ये, ठीक है। मैं आपसे ये पूछता हूं। हां नहीं, ये पूछ रहा हूं, नई बातें पूछ रहा हूं। चलिए सेकंड वाइफ जो है ना, अब ये कुंवारी नहीं है, मान लो किसी बेवा से, अगर बेवा को सहारा देने के लिए कर रहे हैं और उसका फायदा हो रहा है तब तो जायज है ना, इतना तो मान रहे हैं आप ना। अगर पहली बीवी की इजाजत और उसकी चाहत उसके अंदर मौजूद है तो, वरना वो इलॉजिकल है। लेकिन बेवा का फायदा हो रहा है ना भाई, इसको बुरा लग रहा है लेकिन उस बेवा औरत को शौहर मिल गया ना, जो पहली बात नुकसान हो रहा है ना। ये टाइमर वाला बंद करते हैं, वन टू वन बात करते हैं, चलेगा आपको समीर साहब? जी जी जी, कोई मसला नहीं है, बस आप अपनी बात में जो है ना बात करके फिर मुकम्मल सामने वाले की भी बात सुनो। ये बेवा औरत को शौहर मिल गया ना, इसको थोड़ी सी तकलीफ हुई पर ये बेवा औरत को शौहर मिल गया, इसको सहारा मिल गया, इसके यतीम बच्चों को परवरिश करने के लिए बाप मिल गया, तो इतना बड़ा फायदा है। तो थोड़ा सा इसको नुकसान पहुंच रहा है, थोड़ा सा इसको तकलीफ हो रही है, तो आपको नहीं लगता इसको कहा जाएगा कि तुम थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर लो, तुम्हारी बहन एक है बेवा, उसको पूरा शौहर मिल गया है, इसमें क्या हर्ज है बताइए? इसमें हर्ज यह है कि पहले से देख लेना चाहिए कि कोई और शौहर भी मौजूद है कि नहीं जिसकी पहले से कोई बीवी ना हो, ऐसा शौहर तलाश के उसकी शादी करा दी जाए, उसमें क्या मसला है? ऐसे ही शौहर से शादी क्यों कराया जाए जिसकी पहले से बीवी है? चलो नहीं मिल रहा कोई, नहीं मिलता है ना। ये देखिए यहाँ पे मर्दों का फिगर भी दिया हुआ है ना बाजू में, नहीं मिल रहा है ना, नहीं मिल रहा है तब कर सकते हैं कि नहीं? नहीं मिल रहा है और वो तो आप जो है ना अपनी बीवी को कन्विंस करें, वो मान जाती है तो कर ले, कोई मसला नहीं है।
अरे भी फायदे, मैं बोल रहा हूँ नहीं मान रही है, लेकिन उसका इसके ना मानने से वो बेवा औरत जिंदगी भर बगैर शौहर के बैठी रहे क्योंकि मेरी बीवी नहीं मान रही है। मैं तो नहीं समझता कि आज के माशरे में मर्द मिलना मुश्किल है, क्योंकि जितनी मुतल्लका है, जो कि जिनकी आप डाटा मुझे दिखा रहे हैं कि ये मुतल्लका है, बीवियां है, तो जितने लड़कियों की तलाक होती है डेफिनेटली उतने लड़कों की भी तलाक होती है, क्योंकि एक लड़की सामने देखिए फिगर्स, फिगर्स देखिए समीर भाई, मर्द औरतें विडोज डिवोर्सेस का फिगर्स देखिए ना, 4 करोड़ औरतें हैं, 4 करोड़ 32 लाख और 1 करोड़ 22 लाख मर्द है विडोज में, विडोज एंड विडोवर्स, और डिवोर्सेस का भी फिगर देखिए, सेपरेटेड का भी फिगर देखिए, टोटल भी देखिए नीचे लास्ट, 4 करोड़ 65 लाख, 1 करोड़ 38 लाख मेन एंड वुमेन का 2011 के सेंसस। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये डाटा पर्टिकुलर हाल यही है ना कि वो बेवा औरत को नहीं मिल रहा है शौहर ना, ऐसे बहुत सारी बेवा औरतें को शौहर नहीं मिल रहा है। मैं उसको जवाब दे रहा हूँ, मैं जैद साहब की बात का जवाब दे रहा हूँ अभी। सरफराज साहब, जैद साहब ने जो आंकड़ा रखा है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैद साहब ये जो आंकड़ा आपने रखा है सामने, ये सिर्फ जो है मुस्लिम कम्युनिटी से लिया है आपने या फिर ये पूरे इंडिया का है और जनरल बात है, इसीलिए सब कम्युनिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं। ये ओवरऑल, ये ओवरऑल जो एक के कंपेयर में चार, आपको पता है सर क्यों है, एक के कंपेयर में चार क्यों है, क्योंकि इस्लाम में चार बीवी रखने की इजाजत है, और इनको जो तलाक होती है ना, वो इन मुस्लिम महिलाओं को तलाक होती है, और हिंदू में तलाक का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए मैन का जो आंकड़ा है वो एक है। ये मर्दों, ये सिर्फ मुस्लिम्स की बात ही नहीं है, ये ओवरऑल बड़े फिगर्स है, ये जो फिगर आ रहे हैं ना, अगर आप इसके साथ में ये भी मिला दें, इस पर अगर आप मजीद रिसर्च करेंगे तो डेफिनेटली इसमें 90% आंकड़ा जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी से आपको निकलेगा। पता है टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है, 20 करोड़ पकड़ लो, तो ये 5 करोड़ 21 लाख करोड़ नहीं है हजरत, इंडिया के अंदर टोटल मुस्लिम जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 30 करोड़ हो चुकी है राइट नाउ। नहीं नहीं, ऑफिशियल जो 2011 सेंसस के हिसाब से 18 करोड़ या के करीब थी 2011 के सेंसस की बात। आप ऑफिशियल को छोड़ दीजिए, आपको ये मालूम है मुआशरे में कितनी बहस चलने लगी। समीर भाई, मैंने आपसे एक छोटा सा सवाल किया था, मैं बोल रहा हूँ की मेरी औरत को बुरा लग रहा है पहली वाली बीवी को, लेकिन एक बेवा औरत को सहारा मिल जा रहा है, उसको शौहर मिल गया, उसके यतीम बच्चों को परवरिश करने के लिए एक बाप मिल गया, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा तकलीफ बर्दाश्त कर लेना चाहिए ना, कि कम से कम उसको शौहर मिल गया है। मैंने आपको ऑलरेडी आपकी बात का जवाब दे दिया है, तो उसको दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। मैंने कह दिया, लेकिन मैं कन्विंस कर रहा हूँ, नहीं मान रही है, तो मैं क्या करूँ बताइए। ऐसा शौहर तलाश कर, देखिए मैं पर्सनली उसको नहीं शौहर मिल रहा है, और मेरी बीवी जो है ना वो मान नहीं रही, तो मैं क्या करूँ, उसको छोड़ दो ऐसे औरत को, वो बेवा औरत जाए, लेकिन क्योंकि मेरी बीवी को तकलीफ हो रही है। मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान की जिस तरीके की आबादी है, अगर आप हिंदुस्तान की बात करके आप हिंदुस्तान का आंकड़ा रखें, तो हिंदुस्तान का जवाब दे रहा हूँ, हिंदुस्तान की जिस तरीके की आबादी है, मैं नहीं समझता कि यहाँ पे एक मुतल्लका या एक बेवा को शौहर ना मिलेगा। अरे आप क्या समझते हैं, यहाँ पर्सनली दुनिया जानती है कि बहुत सारी बेवा औरतें जिनको शौहर नहीं मिल रहा है, आपने भी देखा होगा, जो बहुत सारे कुंवारे लड़कों को भी बीवियां नहीं मिल रही जनाब। हाँ, बहुत सारे कुंवारे लड़कों को भी बीवियां नहीं मिल रही, उनके बारे में कहना, लेकिन एक सूरत हाल ये है कि यहाँ पे एक बेवा औरत है, उसको शौहर नहीं मिल रहा है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ, कुंवारे लड़कों से उसकी शादी करा दीजिए ना, जब आप समझ रहे हैं ना, मैं उस कंडीशन का आपका जवाब चाह रहा हूँ। आप जो जवाब दे रहे वो कंडीशन वाला नहीं ना, तो क्या आप एक बेवा औरत की शादी कुंवारे लड़के से नहीं करा सकते, ये क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, नहीं हो रही है ना, उसको नहीं मिल रहा कोई, अभी मैंने कंडीशन क्या बोला, एक बेवा औरत है, या तो उससे मैं निकाह कर लूँ, या तो वो जिंदगी भर बगैर शौहर के रहेगी, सूरत कंडीशन यही है कि उसको नहीं मिल रहा शौहर, तो या तो मैं कर लूँ या तो बगैर शौहर के रहे, और मैं कर रहा हूँ तो मेरी बीवी को तकलीफ हो रही है, तो दो में से क्या करना चाहिए? ये होगा, अब इस पर मेरा सवाल ये होगा, क्या आमतौर पर यही नौयत होती है दूसरी शादी करने की, कि दूसरा उसको शौहर नहीं मिल रहा होता इसलिए शादी कर रहे हैं? अभी ये कंडीशन है, इसमें क्या करना चाहिए वो बताइए। आप कह रहे हैं कंडीशन मौजूदा हालात नहीं है, ऐसे हालात तो ऐसे हैं नहीं है। अच्छा, अगर ऐसे हालात हो गए, ऐसे हालात होंगे तो कर सकते हैं कि नहीं? वैसे हालात होंगे ना, तो फिर उस वक्त देखी जाएगी, अभी तो वो हालात नहीं, तो अभी वो इम्प्लीमेंट क्यों करें हम? भाई देखिए, हालात तो जैद भाई ने जो स्ट्रेटेजी, मैंने आपसे ये कहा है कि अगर आप वो उसको मानते ही नहीं है ना, मैं वही कह रहा हूँ, तब तो हवा में बात हो रही है, जितने फिगर जैद भाई रख रहे हैं, जो फिगर कह रहे हैं कि ऑफिशियल फिगर छोड़ दीजिए, कानूनी फिगर छोड़ दीजिए, तो ये सब कैसे बगैर प्रूफ के बात हो रही है भाई? ये फिगर में मुझे सामने फिगर रखा हुआ है कि औरतें ज्यादा हैं, उनको शौहर नहीं मिलेंगे, अगर हर आदमी भी की शादी करे तो भी नहीं शौहर मिलेगा। मुस्लिमों का आंकड़ा दिखाए ना मुझे, मुझे और आंकड़ा क्यों दिखा रहे हो आप? मुझे मुस्लिम आंकड़ा दिखाए तब बात हो, तो दूसरी शादी की बात हो रही है, सही है कि गलत है? मुस्लिम और काफिर की बात थोड़ी हो रही है, वो इस्लाम में बात हो रही है कि ओवरऑल बात हो रही है, बताएं मुझे, ओवरऑल तो कोई अलाउ ही नहीं करता ना, इस्लाम ही अलाउ करता है ना? नहीं, हम कह रहे हैं दूसरी शादी सही है या गलत है, हम ये बात कर रहे हैं जिससे फायदा या नुकसान है, तो ये तो अपने आप में बायसनेस हो जाएगी ना, कि आप बात इस्लाम पे कर रहे हैं, आंकड़ा सबका दिखा रहे हैं, आप इस्लामी का आंकड़ा रखिए सामने। हम बात, आप उनवान क्या है, टॉपिक क्या है,
टॉपिक है कि दूसरी शादी सही या गलत, इस्लाम का टॉपिक है कि इस्लाम में दूसरी शादी करना जायज या नाजायज, ओवरऑल नहीं है, इस्लामिक बात हो रही है, क्योंकि ओवरऑल मजहब जो है वो अलाउ ही नहीं करते पॉलीगमी को, सिर्फ आपका इस्लाम करता है, क्रिश्चियनिटी नहीं करती, जुडाइज्म नहीं करती, हिंदुइज्म नहीं करता, सिर्फ इस्लाम करता है, तो बात इस्लाम पे करें। टॉपिक है कि दूसरी शादी जायज होना चाहिए कि ना जायज होना चाहिए, उसमें हिंदू मेरा गुफ्तगू का आपसे टॉपिक नहीं है, मेरा गुफ्तगू करने का टॉपिक ये है कि इस्लाम में दूसरी शादी करना जायज या ना जायज, क्योंकि मैंने कह दिया आपको कि इस्लाम सिर्फ अलाउ करता है, नहीं तो आप मुझे दिखा दे क्रिश्चियनिटी के किसी स्क्रिप्चर से, जुडाइज्म के और सनातनी के दूसरी शादी आप एक बीवी के होते कर सकते हैं, दिखा दे कहां लिखा हुआ है। टॉपिक है कि दूसरी शादी सही है या गलत है, हम ये तो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं ना वो चीज है ही नहीं, ओवरऑल इंसानियत के फायदे में है दूसरी शादी, हम ये कह रहे हैं ओवरऑल की बात नहीं हो, कह रहे हैं कि बच्चे कितना भी फायदा हो, आप ये कह रहे हैं गर्चे कितना भी फायदा हो लेकिन क्योंकि इस औरत को गिना गुजरता है तो नहीं करना चाहिए, हम कह रहे हैं कि नहीं इस औरत को गिना गुजरता है गर्चे लेकिन फायदा क्योंकि ज्यादा है तो इसको बर्दाश्त करना चाहिए, बस हमारे और आपके स्टैंड में ना यही फर्क। आपका मेरा डिस्कशन जो है इसी टॉपिक इसी बात पर कंक्लूड हो सकता है, या तो या आप ये कबूल करें कि बाकी मजहबों में भी इस्लाम की तरह बाकी धर्मों में भी मजहब की बात ही नहीं चल रही है, बात चल रही है कि फायदा है या नुकसान है, आप उसको इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते, ओवरऑल सिर्फ इस्लाम पे इंप्लीमेंट होगा कि इस्लाम में अलाउ है, हम दूसरे मजहब वालों को भी दावत देते हैं कि आप अपने यहाँ भी अलाउ कीजिए, वो नहीं करते, तो चल रहा है कि अलाउ करना चाहिए, बिरयानी बनाई है मुझे बिरयानी खाता ही नहीं, मुझे नहीं खानी, आप जबरदस्ती खिलाएंगे, नहीं लेकिन अगर आप मरने लगेंगे तो हम आपको पानी पिला देंगे ना, नहीं नहीं पिलाएंगे आप, मरते हुए मार जरूर देंगे क्योंकि मन शब्बा नबी यफ्तुलु और मन बदला दी, नहीं आप मरने लगेंगे, अब औरतों को टॉपिक क्यों चेंज, जहेज के लिए औरतों को जलाया जा रहा है ना, तो मुसलमान औरतों को जहेज के लिए नहीं जलाया जा रहा है, हर मजहब की औरतों को जहेज के लिए जलाया जा रहा है, बल्कि मरते हुए मेरा गला, अरे क्यों ऐसे गलत बात जलाया जा रहा है, उसे मुसलमान औरतों को जहेज के लिए नहीं जलाया जा रहा, हर मजहब की लड़कियों को जहेज के लिए जलाया जा रहा है, वो मसला पूरी इंसानियत का है, कहां से आ गया पूरी इंसानियत के और जहेज के और सिर्फ मुसलमान जो है ना वो अपनी टॉपिक से हट रहे हैं, सब नहीं बोलेंगे आप क्या आप जहेज को लाकर मुसलमान जो जहेज का टॉपिक कनेक्टेड है इस टॉपिक से, बच्चियों को पेट में नहीं मार रहे हिंदुस्तान के कानून में, हर मजहब के मानने वालों के लिए इजाजत होनी चाहिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम है दूसरी शादी नहीं होने की वजह से वो हर मजहब के लोग फेस कर रहे हैं, तो क्योंकि हर मजहब के लोग फेस कर रहे हैं तो हर मजहब में इजाजत होनी चाहिए, क्योंकि जहेज का मसला लड़कियों को पेट में कत्ल कर देने का मसला सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं है, मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं के साथ है, तो हम ये कह रहे हैं इस्लाम का मसला है ही नहीं, ये सोसाइटी का मसला है, सोसाइटी में दो एक से ज्यादा शादियों का रिवाज होगा, जहेज की प्रथा खत्म होगी, लड़कियों को जलाया नहीं जाएगा, आप पेट में कत्ल नहीं किया जाएगा, शुरू से अब तक भाग रहे हैं, अब कभी आप बीच में जो है ना, तो आप जब वापस जाकर के देख लीजिएगा टॉपिक से, कभी आप बीच में जो है ना फायदा नुकसान ले आते हैं, कभी आप बीच में अब ये दहेज ले आते हैं, आप 10 जगह वापस से घूम करके देख लीजिएगा कि फायदा नुकसान की बात किसने की थी, ऑल नहीं इंप्लीमेंट किया जा सकता, खत्म होगी तो आप घूम करके देख लीजिए, काम करते नहीं करते सर ओवरऑल इसको, तो ओवरऑल जब अलाउ नहीं करते तो आप उस पर बात ही नहीं कर सकते सर, आप सिर्फ इस्लाम पे बात करेंगे, इस्लाम ही अकेला वाहिद ऐसा मतलब जो इसको अलाउ करता है, अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर आप उसका उसका रिकॉर्ड दिखाएं ना मुझे इस्लाम का, मुझे आप सिर्फ मुस्लिम रिकॉर्ड दिखाएं, तब बात हो सकती है, वही तो साबित कर रहे हैं कि इस्लाम ने जो कहा है उसका फायदा है, वो देखो सऊदी अरब में जहेज की प्रथा नहीं है, सऊदी अरब में जहेज की प्रथा नहीं है, बताएं ना देखो कितना फायदा है, सऊदी अरब में जहेज की प्रथा नहीं है क्योंकि वहां पर आदमी एक से ज्यादा शादियां कर लेते हैं, जहां जहां पे मुसलमान एक से ज्यादा शादी करते हैं वहां देखिए वहां औरतों को पेट में कत्ल नहीं किया जाता है, वहाँ जहेज की प्रथा नहीं है, मानते हैं तो सऊदी अरब तो अपने यहाँ नाच गाने के कॉन्सर्ट करा रहा है, आप भी कराइए, वो मूवमेंट को ऐसा घूमते बहुत है आप यार, अभी आप बोल रहे हैं कि इस्लाम का दिखा दो, मैं सऊदी का एग्जांपल दे रहा हूँ, सऊदी अपने यहाँ राम मंदिर मनवा रहा है, आप मनवाइए, ओ भाई साहब कहाँ घूम करके जा रहे हो तुम, दूसरी शादी की बात कर रहे हो ना, तो हम बोल रहे हैं दूसरी शादी का फायदा सऊदी अरब में क्या है भाई, कहाँ कहाँ घूम के, मैं तो इनको समझता था कि ये ठीक ठाक कोई लॉजिक में आदमी बेसिक लॉजिक क्या थोड़ा सा ख्याल रखे, बात कर रहे चलो मेरे ख्याल काम करते हैं, काम करते हैं, अगर इसको नहीं कबूल करेगी तो मेरे मुसलमानों का मिसाल दिखाओ, दूसरी शादी में बता रहे हैं मुसलमान, देखो सऊदी अरब में मुसलमान एक से ज्यादा शादी करते हैं, वहाँ जहेज नहीं होता है अभी बता रहे हैं, तो आप राम मंदिर वहाँ कहाँ चले, मेरा मुद्दा नहीं है भाई, कोई कोई लॉजिक होती है तुम्हारी बात में कहीं भी चले जाते हो भाई, मुसलमान माशरे का दिखा तो दिखा रहे हो मुसलमान माशरे का, राम मंदिर कहाँ चले जा रहे हो, माय टॉपिक इज पॉलोगमी नॉट दहेज नॉट डोरी, सो डोंट डाइवर्ट माय टॉपिक, दहेज मेरा मुद्दा नहीं है भाई ना आपका मुद्दा है, यहाँ पर
दूसरी शादी का रिवाज होगा तो जहेज नहीं होगा, ये हमारा दावा है, रिवाज होगा तो जहेज नहीं होगा, ये हमारा दावा है, उसका फायदा है, हम कहते हैं ओवरऑल फायदा है, इसलिए औरत को गिरा गुजरना गुजरने दो। मैं तो बेसिक अपने टॉपिक पे बात कर रहा हूँ भाई, मैं कहा टॉपिक से कहा गया, तुम कहा राम मंदिर और कंसर्ट कब जा रहे हो। अरे भाई मैं की दूसरी शादी होने से जहेज का मसला खत्म होगा, सऊदी अरब में देखो वहाँ पे आदमी एक साथ शादी करता है, इसलिए वहाँ पर जहेज नहीं है, वहाँ पेट में बर्तों को नहीं मारा जाता है। बेसिक तुम बोल रहे हो मुसलमानों को दिखाओ तो दिखा रहा, तो अब तुम पता नहीं कहाँ कहाँ चले जा रहे हो। अरे ठीक है, तुम कुछ भी बोलोगे थोड़ा सा तहमुल और सब्र के साथ जवाब भी सुनिए। अब आप अगर इसमें इस डिस्कशन में अगर आप डोरी यानी कि दहेज को ले ही आए हैं और आप इसके लिए जो मुद्दा बना रहे हैं तो इसमें मेरा जवाब सुन लें। अगर आप पर्सनली मेरा ओपिनियन जानना चाहें तो मैं खुद बजाते खुद दहेज की जो प्रथा है उसके खिलाफ हूं, उसको कंडम करता हूं और मैं ये कहता हूं ये माशरे से खत्म होनी चाहिए, यहां मैं आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन आज का हमारा टॉपिक जो है मेरे भाई वो डोरी दहेज नहीं है, आज का हमारा टॉपिक है पॉलोगमी। और मैं एक और चीज बता दूं आपको, आप इसको ओवरऑल किसी पर इंप्लीमेंट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सनातन कहीं भी या क्रिश्चियनिटी या जुडाइज्म कहीं भी अपने स्क्रिप्चर के अंदर ये नहीं लिखता कि आपको दहेज लेना जरूरी है। तो लिहाजा जो ये काम कर रहे हैं वो उनका अपना इंडिविजुअल काम है, मजहब इसको नहीं कहता, तो आप नहीं ला सकते उसको। हम बात यहाँ मजाहिब के तौर पर कर रहे हैं, हम यहाँ बात कानून के तौर पर कर रहे हैं, हम यहाँ बात इंडिविजुअल एक्ट पर नहीं कर रहे हैं। आपका ये मुद्दा ही गलत है। हमारा मुद्दा ये है कि सोसाइटी के अंदर लड़कियों की तादाद लड़कों से ज्यादा है, अब जो एक्स्ट्रा लड़कियां बचती हैं अगर हर आदमी एक एक शादी पर इक्तिफा करेगा तो बहुत सारी लड़कियां ऐसी बच जाती हैं जिनको शौहर नहीं मिलता। तो अब क्योंकि लड़कियां ज्यादा हैं और शादी के लिए मर्द कम है तो उसका इस एक रिवाज ये बन जाता है कि भाई सप्लाई ज्यादा हो गई है डिमांड कम है, अब वैल्यू को बढ़ाने के लिए लड़की वाली ये बोलते हैं एक लड़का है उसके पास चार लड़कियों के रिश्ते आ गए हैं, तो एक लड़की वाली बोलती है कि मैं बाइक दूंगा, दूसरा बोलता है मैं कार दूंगा, तीसरा बोलता है कि मैं फ्लैट दूंगा। तो ये जो जहेज की प्रथा है ये प्रथा डायरेक्ट जुड़ी हुई है पॉलीगेमी से। जब मर्द एक से ज्यादा शादियां करने लगेगा तो इतनी ज्यादा लड़कियां नहीं बचेंगी कि उनका निकाह नहीं हो रहा, उनको शादी कराने के लिए जहेज की वैल्यू ऐड करनी पड़ रही है अपनी लड़की के साथ। तो हम ये कह रहे हैं कि जहेज का मसला पॉलीगेमी से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, पॉलीगेमी होगी एक से ज्यादा शादियों का रिवाज होगा तो जहेज की प्रथा इंशाअल्लाह ताला खत्म हो जाएगी। जहेज की प्रथा खत्म होगी तो जो लड़कियों को पेट में कत्ल कर दिया जा रहा है, बाहर अबॉर्शन सेंटर के बाहर बोर्ड लगा हुआ होता है 5,000 खर्चा करो 5,00,000 बचाओ, यानी 5,000 में बच्ची को सोनोग्राफी करके मार डालो अगर लड़की पेट में तो 5,00,000 का जहेज का तुम्हारा खर्चा बच जाएगा। वो लड़कियों को पेट में कत्ल करने का जो एक रिवाज बना है वो खत्म होगा। तो हम कह रहे हैं कि पॉलीगेमी के सोसाइटी को बहुत सारे फायदे हैं और उन फायदों की वजह से हम कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी बीवी को गिना गुजर रहा है तो तुम उसको कहो कि बर्दाश्त कर लो भाई इतने सारे फायदे हैं, तो थोड़ा सा सब्र कर लो तुम इतने सारे फायदों के। आप इतनी सारी बात रखेंगे मैं जवाब कैसे दूंगा, एक छोटी छोटी बात, इतनी सारी बात तो हम शुरू से ही रखते हुए आए ना। मैं अगर खामोश हो जाता हूँ म्यूट लगा देता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे वक्त का ख्याल ना रखें, थोड़ा सा तो आप थोड़ा सा इंसानियत दिखाएं कि आप मुख्तसर बात रखें ताकि मैं उस पर जवाब भी दे सकूँ। अभी आपने जो बड़ी अच्छी है बात की, मैं तो उसको अच्छी कहूंगा क्योंकि आपके मुझसे अच्छी लगी मुझे, आपने ये कहा है कि डिस्कशन का एक टाइम फिक्स 10 मिनट और जी मेरे ख्याल से ऐसा करते हैं, अभी मेरी ट्रेन ऑलरेडी छूट चुकी है 12:30 की ट्रेन थी मेरी। जी जी चले क्या करें? मैं लास्ट बात से निकलता हूँ, 10 मिनट भी चाहिए मुझे, 2 मिनट चाहिए उसके बाद आप डिस्कशन ओवर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। आपने जो भी ये बात कही है सरफराज फैजी साहब मोहतरम मेरे कि डोरी होने की वजह से जो है वो बहुत सारी बच्चियों के निकाह नहीं हो रहे हैं, पॉलीगमी इसका एक रास्ता है, ये मैं ये कह रहा हूँ आपको, पॉलीगमी को आप पूरी दुनिया के ऊपर लागू नाफिज नहीं कर सकते क्योंकि बाकी जो मजाहिब हैं बाकी जो धर्म हैं उनके जो बिलीफ हैं उसके अकॉर्डिंग पॉलीगमी जो है वो अलाउ नहीं है, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउ है दूसरे मजाहिब वालों के लिए और ना ही उनके अपने स्क्रिप्चर में, तो इस वजह से आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो सिर्फ आप इस्लामियों पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और जैसा कि जैद साहब ने खुद ये बात कबूल की है कि यहाँ पर तादाद जो है वो कसीर तादाद नहीं है मुसलमानों की हिंदुस्तान के अंदर, तो अगर आप इसको सिर्फ मुसलमानों में इम्प्लीमेंट भी करते हैं तो भी ये रेशो जो है वो ख़त्म नहीं होगा जिस पर आपको एतराज़ है, क्योंकि ये रेशो तब ख़त्म होगा जब पूरा हिंदुस्तान इसको फॉलो करे आपके मुताबिक। तो यहाँ पर मेरे भाई अगर वो पूरा हिंदुस्तान इसको इम्प्लाई नहीं कर रहा है अपने ऊपर और फॉलो नहीं कर रहा है
तो चाहकर भी आप सिर्फ मुसलमान इसको इम्प्लाई करके नहीं खत्म कर सकते, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। इस कंडीशन में या तो आप ये कहें कि अब हम इसको पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं ताकि ये चीज खत्म हो, तो आपकी बात मुझे वाजिब लगेगी कि आप करना चाहते हैं और कर सकते हैं, तो फिर एक अलग बात है। और अगर नहीं कर सकते और नहीं करना चाहते, सिर्फ मुसलमानों पर ही आप इसको अप्लाई रखना चाहते हैं शरिया के मुताबिक, तो मेरे भाई ये सॉल्यूशन नहीं है उस चीज का जो आप बता रहे हैं। इससे सिर्फ उन ये जो मैं फिर से कह रहा हूं, आप जो है ना एक कम्युनिटी के एतबार से मुझे आंकड़ा नहीं दिखा रहे, अगर आप दिखाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो 4-1 का डिफरेंस है ना, ये इसलिए है क्योंकि 4 शादी इस्लाम में जायज है और रोज जो है महिलाओं को तलाक इस्लाम के अंदर होती है। हिंदुइज्म की जो तलाक है ना, डाइवोर्स है, उसका कंपैरिजन करके देख लें आप मुस्लिम के मुताबिक, उनकी जनसंख्या पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि 30 करोड़ आप हिंदुओं को लें और 30 करोड़ आप मुसलमानों को लें, और उनके अंदर कितने परसेंट डाइवोर्स के केस आ रहे हैं वो आप उसको कंपेयर करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मसला कहाँ है। जी मेरे भाई, ठीक है, नहीं आपने फायदा तस्लीम कर लिया, हमको इतना काफी है, इंप्लीमेंट होगा। आपने कहा ना कि फायदा नहीं, अभी आपने वो तस्लीम कर लिया, अभी मैं क्लिप निकाल दूंगा, आपने फायदा तस्लीम कर लिया है, अब वो उसको नाफिस कैसे करना है, उसका इम्प्लीमेंट कैसे होना चाहिए, हम ये बोल भी नहीं रहे कि इम्प्लीमेंट हो ही जाएगा, सब कर ही लेंगे। हमारा तो बेसिक मुद्दा था कि हमको फायदा साबित करना है कि इस्लाम ने जो ये रखा है एक से ज्यादा शादी की प्रथा, इसका फायदा है, वो आपने तस्लीम कर लिया, बाकी ये इम्प्लीमेंट दूसरे लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे वो हमारा मौजू ही नहीं है, बस इतनी काफी आज के डिबेट के लिए इतनी बात। चलो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, अच्छा डिस्कशन हुआ और फिर मिलते रहेंगे। हाँ, थैंक यू सो मच। जी जी, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका जैद पटेल साहब और बाकी सब पैनलिस्ट का भी, और सरफराज साहब, अगर मेरी किसी बात से आपको दिलाजारी हुई हो, आपको तकलीफ हुई हो, तो आप मेरे भाई हैं, मेरे मोहतरम हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। और अगर पैनलिस्ट में से किसी को भी तकलीफ हुई हो या सुनने वाले को किसी को मेरी बात से, बाकी सारी चीजें ठीक है, मैं भी माफ चाहता हूं, जो भी है मैं आप लोगों से माजरत खाऊं अगर मेरी किसी बात से तकलीफ हुई हो। जी, आप भी कोई चीज का बुरा मत मानिएगा। जी, हम लोग एक अच्छा हेल्दी डिस्कशन कर रहे थे, थैंक यू सो मच। किया है जैद साहब कि ट्रांसफर ऑफ नॉलेज होना चाहिए, जो मेरे ख्याल है वो आप तक जाए और आपके जो ख्याल है वो मुझ तक आए। बहुत बहुत शुक्रिया, इसीलिए मैं आपके चैनल पर जुड़ा था, क्योंकि आप अखलाक के तौर पर भी और इंसानियत के तौर पर भी जैद साहब मुझे एक बेहतरीन इंसान लगते हैं, और जो चीज मैंने आपको बैक स्टेज बोली है वो मैं आपको यहाँ भी सामने बोलने में नहीं कतराऊंगा, क्योंकि मैंने आपको अक्सर कहा है कि मैं हकीकत को कभी भी छिपाने वाला इंसान नहीं और उसको आम तौर पर खुले तौर पर बयान करता हूँ। आपके लॉजिक और आपके जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ड्यूरिंग द डिबेट, मैं उनका कायल हूँ, और आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बात को रखते हैं, बड़ी ही मोहब्बत और आजादाना तौर पर और उसूल आदाब के साथ, तो इसका मैं कायल हूँ। होप सो कि जब आपका मेरा कभी डिस्कशन होगा तो वो एक बेहतरीन डिस्कशन होगा और हम जो है एक मिसाल कायम करेंगे कि देखिए, बिना गाली गलौज किए और बिना बदतमीजी किए और बिना एक दूसरे की जो है पर्सनल अटैक किए भी एक बेहतरीन डिस्कशन किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। जी शुक्रिया।